Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. Hello friends, a very good evening to all of you. So guys, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट नहीं कर रहे, बट नए पार्ट पे जाने वाले हैं. टॉपिक तो वही है, टर्बाइन्स, बट टर्बाइन्स के अंदर थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे. सो टिल नाउ वी वर लुकिंग इनटू इंपैक्ट ऑफ फ्री जेट्स. सो इंपैक्ट ऑफ फ्री जेट्स की मेजर डिस्कशन कर रहे थे और वेलोसिटी ट्रायंगल्स बना रहे थे. सो आपने अभी तक काफी सारे केसेस के वेलोसिटी ट्रायंगल बनाए हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट केस जो एक्चुअल में सबसे लास्ट केस था, सबसे फाइनल केस था, जो बाकी केसेस का जनरलाइज्ड वर्जन है, वो केस अभी भी बाकी है. सो उस केस को हम कंप्लीट करेंगे और उसके बाद यूलर्स हेड लिखेंगे. सो आज आप मेरे साथ यूलर्स हेड भी लिखने वाले हैं और डेफिनेटली टर्बाइन क्लासिफिकेशन में हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे. सो एक्चुअल में ये जो क्लास है, ये टाइटल से एक लेवल पीछे चल रही है. तो टाइटल लिखा हुआ है पेल्टन टर्बाइन, बट अभी हम उसी पे ही पड़े हुए हैं, इंपैक्ट ऑफ फ्री जेट्स पे. और आज यूलर्स हेड आ जाएगा तो आपको दो तीन ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स मिलेंगे जो एज एमएसक्यू आपसे पूछे जा सकते हैं या फिर चूज द करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा सकता है. सो डेफिनेटली मुझे लगता है आज की क्लास काफी बढ़िया रहेगी. हाय दीपांकर. दीपांकर, मैं ना आज तेरे बारे में ही सोच रहा था एक्चुअली. वो कंप्रेसिबल फ्लो के पॉइंट्स में देख नहीं पाया, बट डे आफ्टर टुमारो ना मैं थोड़ा सा फ्री हूँ. फ्री इन द सेंस मेरी छुट्टी है, हालांकि क्लास भी है उस दिन, बट क्या कहते हैं, उस दिन मैं पक्का देखूंगा. वेंसडे को मैं सारी वीडियोस पे कमेंट्स देखूंगा, जिसने अगर कोई भी कमेंट किया हुआ है डाउट वगैरह का, तो डेफिनेटली सॉल्व करूंगा. अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है, मुझे ये बताओ कि आप लोगों ने ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, ये जो आपको होमवर्क क्वेश्चन दिए थे लास्ट टाइम, ये होमवर्क क्वेश्चन सॉल्व किए हैं? इन क्वेश्चंस में कोई डाउट है? सो मैंने आपको तीन गेट क्वेश्चंस दिए थे और ये दो क्वेश्चन दिए थे ऑन वाटर जेट इंपिंजिंग ऑन द टिप ऑफ कर्व्ड वेन. इस तरह से आपको दो क्वेश्चन दिए थे. सो जल्दी से बता दो ये क्वेश्चन किए हैं या नहीं किए. सो आभरा दीपांकर, जल्दी से बता दीजिए अगर क्वेश्चंस में, इन क्वेश्चंस में डाउट है तो इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं हम. पहले कर लिए, ठीक है. सो एक काम करेंगे, आज का काम पढ़ लेते हैं, क्लास के लास्ट में अगर किसी को डाउट हो तो वो डेफिनेटली मेरे से डिस्कस कर ले, ठीक है. बाकी क्लास के लास्ट में एक बार इन पांच क्वेश्चंस का मेथड जरूर देख लेंगे एटलीस्ट, ताकि पता रहे कि आप लोगों का मेथड करेक्ट है ना. पहले क्या होता था, पहले मैं होमवर्क क्वेश्चंस तो दे देता था, मगर टाइम के लिमिटेशन के कारण कई बार ऐसा होता था कि वो मैं डिस्कस नहीं कर पाता था मेथड वगैरह. जैसे L3 लेवल क्वेश्चंस दिए होते थे तो उनके मेथड डिस्कस नहीं कर पाता था. सो आप लोगों के साथ तो ऐसा नहीं हुआ है, बट ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है कभी. हाँ ठीक है, सो ये हम डिस्कस करेंगे. जो आपका डाउट है मैंने दीपांकर देख लिया है, ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है. ओके, एक्चुअली जहां से मैंने ये क्वेश्चन फ्रेम किया था जब, तो उस टाइम ना मेरे दिमाग में एक्यूट एंगल्स ही चल रहे थे. सो आपको वो मैंने बताया था ना कल कि अभी सेंस मत डिसाइड करो. जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तब हम इस बात पे भी जाएंगे कि एक प्रॉपर सेंस क्या होती है एंगल कन्वेंशंस की, उस पे भी जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है. तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चालू करते हैं. सो गाइस, अब तक हम लोगों ने काफी सारे केसेस किए हैं और जो हमारे जो केसेस थे, अगर उन केसेस पे आपने ध्यान दिया हो तो हमने अब कुछ लाइंस वगैरह भी डिफाइन करना चालू कर दिया था. सो आप लोगों ने, ये क्या हो गया, ये मेरे सारे टूल बार्स जो हैं यहाँ से हट गए हैं टूल बार्स. लेट मी एड माई टूल बार्स, ठीक है. तो ये कलर का भी आ गया और पेन का भी आ गया. ओके, सो गाइस प्लीज चेक. तो आप लोगों ने, अरे कलर वाला फिर हट गया, तो टूल बार, विंडोज टूल बार, पेन, हाँ ठीक है. सो गाइस, हम लोगों ने क्या कहते हैं, ये डिस्कस किया कि ये अगर आपके पास शाफ्ट है, दिस इज योर शाफ्ट, राइट, और इस शाफ्ट पे एक डिस्क माउंटेड होगा जिसको हम रनर कहते हैं. क्या कहते हैं? रनर. ध्यान रखना है टर्बाइन में टर्मिनोलॉजी क्या है, इसको आप बोलेंगे रनर टर्बाइन में. मगर वहीं अगर पंप पड़ रहे होते तो सेम डिस्क को हम इंपेलर बोलते. क्या बोलेंगे आप? इंपेलर बोलेंगे. सो दरअसल ये देखो, ये मेरे पास एक्चुअली कुछ मॉडल्स बनाए थे थोड़े दिन पहले, बट वो गम हो गए, उनमें से एक मिला मेरे को ढूंढते ढूंढते.
ये आपके पास डिस्क है, ठीक है, ये डिस्क है और ये डिस्क पे वेन्स लगे हुए हैं। सो सिमिलर डिस्क फ्रांसिस टर्बाइन में रनर कहलाती है और सेंट्रीफ्यूगल पंप में इंपेलर कहलाती है। बहुत ही सिमिलर है, काफी सिमिलर ही होती है, फर्क नहीं होता कुछ खास, मगर टर्मिनोलॉजी अलग है, ठीक है, और डायरेक्शन ऑफ फ्लो भी अलग है। फ्रांसिस टर्बाइन में डायरेक्शन ऐसे है, बाहर वाले सर्कल से अंदर की तरफ, मगर सेंट्रीफ्यूगल पंप में अंदर से बाहर की तरफ, हालांकि दिखने में सिमिलर है, ठीक है। ऑब्वियसली थोड़ी बहुत डिजाइन डिफरेंसेस होंगे, मगर काफी कुछ ऐसा ही दिखता है। सो आपके पास क्या था, आपके पास ये एक रनर था, इस तरीके से एक रनर था, और ये आपके पास शाफ्ट था। और आप लोगों ने मुझे बताया कि जैसे हमने दो केसेस सॉल्व किए, और हमारे पास एक केस कुछ ऐसा था जिसमें इस तरह से कर्व्ड वेन है और मे बी यहाँ पे एक नोजल लगा हुआ है, सो नोजल से जो पानी आएगा वो पानी इस तरह से ग्लाइड करके बाहर चला जाएगा। सो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, दो ब्लेड पैसेजेस, सो इस तरीके से दो ब्लेड पैसेजेस हैं, ये एक और ब्लेड है, ठीक है। सो ये दो, ये जो आपके पास स्पेस है ये वाला, ये दो ब्लेड पैसेजेस के बीच का स्पेस है ना। अब इन दो ब्लेड पैसेजेस के बीच में आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, जैसे से फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट के कुछ वेलोसिटी कंपोनेंट्स आएंगे। सो वो वेलोसिटी कंपोनेंट्स कैसे ड्रॉ करने हैं, रेडियल टेंजेंशियल और एक्सियल फ्लो की फॉर्म में डिनोट करने हैं। कैसे, रेडियल टेंजेंशियल और एक्सियल फ्लो। सो हम क्या करते हैं, अगर हम शाफ्ट की एक्सिस के अलोंग देखेंगे तो हमें डिस्क की फ्रंट साइड दिखाई देगी, डिस्क की सिर्फ फ्रंट साइड दिखाई देगी। सो मैं क्या करता हूं, मैं डिस्क की डिस्क की फ्रंट साइड बना दूंगा। सो ये आपके पास डिस्क की फ्रंट साइड आ जाएगी और ये आपको डेफिनेटली कुछ इस तरीके से आपको वेन्स दिखाई देंगे, ये आपको वेन्स दिखाई देंगे, ये पहला वेन, ये दूसरा वेन है ना, और ये तीसरा वेन, ऐसे आपको वेन्स दिखाई देंगे। और ये वो पॉइंट है जहां पे हम वेलोसिटी कंपोनेंट लिखना चाहते हैं। सो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, आप एक सर्कल बनाएंगे, एक इमेजिनरी सर्कल बनाएंगे जिसका सेंटर तो शाफ्ट एक्सिस ही होगी, उसकी सेंटर तो शाफ्ट एक्सिस ही होगी, मगर वो सर्कल जो है उस पॉइंट से पास करेगा। अब इस पॉइंट पे हम तीन डायरेक्शंस दिखाएंगे, एक डायरेक्शन तो सर्कल के टेंजेंशियल आएगी, एक डायरेक्शन सर्कल के टेंजेंशियल आएगी कुछ इस तरीके से। तो ये आपके पास टेंजेंशियल डायरेक्शन आ गया, वो टेंजेंशियल डायरेक्शन यहाँ पे ऐसे दिखाई देगा। फिर एक डायरेक्शन जो है वो रेडियस के अलोंग आएगी कुछ इस तरीके से, ए ऐसे बाहर की तरफ, ये आपके पास रेडियल डायरेक्शन आ गया। और एक डायरेक्शन जो है शाफ्ट की एक्सिस के पैरेलल होगी। सो किसी भी पॉइंट पे आप तीन डायरेक्शंस शो करते हैं, एक होता है रेडियल, एक होता है टेंजेंशियल और एक होता है एक्सियल। अब जिस वेलोसिटी कंपोनेंट के कारण फ्लो होता है उसी वेलोसिटी कंपोनेंट के अकॉर्डिंगली डिफाइन किया जाता है कि मशीन एक्सियल फ्लो है, रेडियल फ्लो है या टेंजेंशियल फ्लो है। जिस वेलोसिटी कंपोनेंट की मदद से वाटर इज एंटरिंग द रनर, बेस्ड ऑन दैट यू विल डिसाइड वेदर द फ्लो इज रेडियल टेंजेंशियल और एक्सियल, वेदर द मशीन इज रेडियल टेंजेंशियल और एक्सियल, ठीक है ना। सो आप एक चीज नोट कीजिए, हाँ, सो दीपांकर बेटा प्रोपेलर, हाँ प्रोपेलर इज अ पंप ओनली, डेफिनेटली प्रोपेलर इज अ पंप, बट ये जो डेफिनेशन है, ये जो टर्म है, ये तब यूज की जाती है जब आप एक व्हीकल की बात कर रहे हो, है ना, जब आप एक व्हीकल के फैन की बात कर रहे हैं उस केस में आप प्रोपेलर बोलते हैं। शिप हो गया, ये आपका एरोप्लेन हो गया टर्बो प्रॉप इंजन में, तब प्रोपेलर बोलते हैं। हाय जसमीत, हाउ आर यू, वेरी नाइस टू सी यू हेयर, ठीक है। अब गाइज देखो, जैसे एक्सियल फ्लो मशीन का मतलब क्या आएगा, एक्सियल फ्लो मशीन का मतलब क्या आएगा चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्सियल फ्लो मशीन, सो अभी तक मैंने आपको बताया नहीं है बट अब ध्यान से देख लो। सो आपके पास ये शाफ्ट है, ये आपके पास शाफ्ट है और ये शाफ्ट पे रनर माउंटेड है और रनर पे आपको डेफिनेटली कुछ वेन्स दिखाई देंगे, ये आपको वेन्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सो ये आपका पहला वेन है और ये दूसरा वेन है और मे बी और डेफिनेटली इस डायरेक्शन में आपका टर्बाइन घूम रहा है। सो जब ये वेन नीचे जाएगा तो ये वाला वेन ऊपर आएगा, तो इस वेन को आप सक्सीडिंग वेन बोल सकते हैं, अगर बोलना चाहें तो इसको सक्सीडिंग वेन बोलते हैं, सक्सीडिंग वेन बोलते हैं या इनकमिंग वेन बोलते हैं। अब हमें पता है कि
पानी जो है एक्सियल फ्लो मशीन के केस में हमने जो केस देखा था, वाटर एंटर्स द वेन टेंजेंशियली एट अ टिप. सो मेरे ख्याल से पानी जब वेन्स में एंटर कर रहा है, सो मैं जब भी बोलता हूँ वेन्स तो वेन्स का मतलब होता है वेन्स के बीच का जो पैसेज है. सो जब पानी वेन्स के बीच में एंटर कर रहा है, आई थिंक वो ये वाले एरिया से एंटर करेगा. चेक करना गाइस, ये वाले एरिया से एंटर करेगा, है ना? प्लीज चेक करो, प्लीज चेक करो, इसी एरिया से एंटर करेगा जो एंटर एरिया मैंने हाईलाइट किया है. मैंने जो एरिया हाईलाइट किया है, सो ये मेरे पास एक वेन था, ये मेरे पास एक वेन था, और ये मेरे पास दूसरा वेन है, और डेफिनेटली ये दोनों वेन्स एक ही डिस्क पे माउंटेड है, और जो इनलेट एरिया है वो इनलेट एरिया ये वाला रहेगा. हमने जो लास्ट केस किया था उसमें ये वाला इनलेट एरिया रहेगा. यस और नो, प्लीज बी फास्ट, जल्दी से बता दो. आज का काम बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा भी ध्यान से करोगे तो मजा आ जाएगा, मैं बता रहा हूं आप लोगों को. यस, हाय कुशल, हाउ आर यू, नाइस टू सी यू हियर, वेरी नाइस टू सी यू, प्लीज बी फास्ट, जल्दी से बता दीजिए. सो आई थिंक दिस इज द एरिया फ्रॉम वेयर वॉटर इज एंटरिंग द वेन पैसेज, राइट? अब जब भी हम फ्लो की बात करते हैं, सो आपको याद होगा जो स्टूडेंट्स अगर मेरे से पढ़ चुके हैं पहले, मैं हमेशा कहता हूं जब भी आप डिस्चार्ज निकालते हैं तो आपको परपेंडिकुलर वेलोसिटी कंपोनेंट चाहिए होता है. जैसे आप एक कमरे के अंदर खड़े हैं और ये कमरे में दरवाजा है, अगर आपका वेलोसिटी कंपोनेंट दरवाजे के पैरेलल होगा तो कभी भी आप अंदर बाहर नहीं जाएंगे. आपको परपेंडिकुलर वेलोसिटी कंपोनेंट चाहिए तभी आप रूम के अंदर या बाहर जा सकते हैं. इसका मतलब अगर हम चाहते हैं कि वेन्स के बीच में फ्लो हो ताकि पानी और वेन्स के बीच में फोर्स जनरेट हो और पावर ट्रांसमिशन हो, तो हमें इस क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर एक वेलोसिटी कंपोनेंट चाहिए ही चाहिए. मगर ये वेलोसिटी कंपोनेंट किसके पैरेलल आएगा? शाफ्ट के पैरेलल आएगा. इसलिए आपको वी ए चाहिए. बिना वी ए के रनर के थ्रू फ्लो नहीं होगा, और अगर रनर के थ्रू फ्लो नहीं होगा तो पावर जनरेशन भी नहीं होगी. इसलिए इन मशीन्स को हम एक्सियल फ्लो मशीन बोलेंगे. क्या बोलेंगे? एक्सियल फ्लो मशीन बोलेंगे. मगर अगर आपके पास नोजल इस डायरेक्शन में हो, यहां पे हो नोजल, ऐसे हो नोजल, ठीक है? अब जरा देखिए, नोजल से जो फ्री जेट आ रहा है वो ऐसे आ रहा है, और फिर वेन पे स्ट्राइक करने के बाद वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. तो यहाँ पे जो इनकमिंग वेलोसिटी है जिसकी मदद से वो वेन्स में जा रहा है, वो टेंजेंशियल वेलोसिटी है. कौन सी वेलोसिटी है? टेंजेंशियल वेलोसिटी है. सो अगर इस तरह का सिनेरियो है तो आप उसको टेंजेंशियल फ्लो मशीन बोलेंगे. आया ना? यस और नो, प्लीज बी फास्ट, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए, टेंजेंशियल फ्लो मशीन बोलेंगे. ऑल ऑफ यू प्लीज बी फास्ट, जल्दी से बता दीजिए, और अगर करेक्ट है तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा. सो ये वाला केस बन जाएगा एक्सियल फ्लो का, और ये वाला केस बन जाएगा टेंजेंशियल फ्लो का. इसको रफ में नोट कर लो, रफ में नोट कर लीजिए इसको, प्लीज बी फास्ट. और अगर नोट कर लिया है तो हम आगे बढ़ेंगे. अब जो हम केस करने वाले हैं वो रेडियल फ्लो को रेसिप्रोकेट करेगा, रेडियल फ्लो को रिलेट करता है. आओ देखते हैं रेडियल फ्लो मशीन का मतलब क्या होगा, ठीक है? सो गाइस, मान लीजिए आपके पास एक केसिंग है. सो जैसे ये आपके पास एक्स जेड प्लेन है. कौन सा प्लेन है? एक्स जेड प्लेन, जो कि हॉरिजॉन्टल है, और ये वाई वर्टिकल है. सो एक्स जेड प्लेन मिलके हॉरिजॉन्टल बना रहे हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन बना रहे हैं, और वाई जो है दैट इज द वर्टिकल डायरेक्शन. और हमारे पास एक केसिंग है एक्स जेड प्लेन में, हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड है. सो मेरे ख्याल से जब मैं केसिंग बनाऊंगा, मैं कुछ केसिंग ऐसे दिखा रहा हूं. ये देखो, ये मैंने केसिंग दिखा दी, ये ऐसे एक केसिंग है, इस तरह से केसिंग है. इस केसिंग के एक कॉर्नर पे आपके पास एक पाइप है. तो पाइप क्या कर रही है? केसिंग के अंदर पानी फीड कर रही है. और केसिंग का जो बॉटम सरफेस है, उस बॉटम सरफेस में एक्चुअली एक होल है. कौन से सरफेस पे? बॉटम सरफेस पे. बॉटम सरफेस पे एक होल है, और बॉटम सरफेस पे एक वर्टिकल पाइप लगी हुई है. उसको दरअसल हम ड्राफ्ट ट्यूब का नाम दे देते हैं. क्या नाम देंगे आगे जाके? ड्राफ्ट ट्यूब का नाम दोगे इसको, आप आगे जाके ड्राफ्ट ट्यूब का नाम दोगे. और दरअसल ये जो केसिंग होती है ना, इसको आप स्क्रोल केसिंग या वॉल्यूट बोलते हैं.
आप देख सकते हैं कि ड्राफ्ट ट्यूब की जो डायरेक्शन है वो वाई डायरेक्शन है, और बाकी जो पाइप है, जो केसिंग है, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग है। अब मैं काम करता हूं, मैं नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग देखूंगा। किसके अलोंग देखूंगा? नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग देखूंगा। सो नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग देखूंगा तो ऑब्वियसली मुझे केसिंग का टॉप सर्फेस दिखाई देगा, ये वाला टॉप सर्फेस दिखाई देगा, राइट? मगर हाँ, यस यस, दिस इज फ्रांसिस ओनली, हम फ्रांसिस ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर ये क्या कहते हैं, टॉप सर्फेस में क्या होता है, टॉप सर्फेस में एक और होल होता है जिसमें से आपको शाफ्ट नजर आता है, शाफ्ट दिखाई देता है। सो यहाँ पे बुशिंग होती है और ऐसे शाफ्ट बाहर आता है, वो शाफ्ट जो है जनरेटर के साथ कपल्ड होता है, कुछ इस तरह से सिस्टम होगा मान लीजिए। अब हम क्या करेंगे, हम नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग देखेंगे और नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग ये फाइंड आउट करेंगे कि केसिंग के अंदर क्या है। सो केसिंग के अंदर सबसे नीचे आपको एक डिस्क दिखाई देगी, सर्कुलर डिस्क दिखाई देगी ऐसे, ठीक है, डिस्क है, मान लीजिए इस तरह की आपके पास डिस्क है, और इस डिस्क में भी बीच में एक होल है। बीच में क्या है? होल है। ये होल दरअसल इसी ड्राफ्ट ट्यूब को फीड कर रहा है। अब इस डिस्क के ऊपर, सो इस डिस्क का प्लेन कौन सा है, प्लीज बी फास्ट, जल्दी से बता दीजिए, ये वाली जो डिस्क है, इस डिस्क का प्लेन कौन सा है, जल्दी से बता दो। 3-4 दिन हमने काफी मस्ती कर ली, काफी आराम से काम कर लिया, बट अभी क्या कहते हैं, बहुत सीरियस होने की जरूरत है, ठीक है ना। तो मैंने भी काफी मस्ती कर ली 3-4 दिन में, थोड़ा मैं भी ढीला रहा, बट आगे ऐसा नहीं चलेगा। गाइस जल्दी चेक करो, एक्स जेड प्लेन है। कौन सा प्लेन है? एक्स जेड प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है। अब इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे दरअसल हमें कुछ वेन्स दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे? वेन्स दिखाई देंगे। सो आपको याद होगा मैंने यहाँ पे क्या दिखाया, पाइप दिखाई है, इस पाइप से पानी अंदर आ रहा है ऐसे। सो ये जो पानी अंदर आएगा ये ऐसे स्क्रोल में ऐसे घूमेगा, ठीक है। सो जो डिस्क है ना, जो आपकी डिस्क है, उस डिस्क के अराउंड ऐसे पानी घूम रहा है, इस तरीके से पानी घूम रहा है, और इस डिस्क पे आपको कुछ वर्टिकल प्लेट्स दिखाई देंगी, ऐसे बनी हुई वर्टिकल प्लेट्स दिखाई देंगी इस तरीके से। इस तरीके से आपको वर्टिकल प्लेट्स दिखाई देंगी। आई होप समझ पा रहे हैं, और डिफिकल्ट नहीं लग रहा है इसको समझने में डिफिकल्ट नहीं लग रहा है। हाँ गाइस, समझ आ रहा है। इन वेन्स को, इन कर्व्ड प्लेट्स को आप वेन्स बोलेंगे। सो अगर आपको इन वेन्स का प्लेन बताना हो सो आप क्या बोलेंगे, ये वर्टिकल अपवर्ड है, और एक्स और जेड मतलब ये तो 3D वेन्स हैं, कर्व्ड वेन्स हैं, तो 3D वेन्स हैं। बट डेफिनेटली इन वेन्स की जो ये वाली साइड है, इन वेन्स की जो ये वाली साइड है, ये वाई के अलोंग है। किसके अलोंग है? वाई के अलोंग है, राइट? हाँ, सो आबरा बेटा देख, ऐसा है, हम लोग पढ़ते नहीं है, मगर पेल्टन टर्बाइन को छोड़ के जो भी मशीन है, ठीक है, पेल्टन टर्बाइन को छोड़ के जो भी मशीन है, चाहे एक्सियल पंप है, सेंट्रीफ्यूगल पंप है, फ्रांसिस टर्बाइन है, कैपलन टर्बाइन है, सब में वोर्टेक्स फॉर्मेशन होता है, बस हम उस तरीके से पढ़ते नहीं है। वोर्टेक्स फॉर्मेशन हर जगह दिखाई देता है, फैन भी वोर्टेक्स फॉर्मेशन है, जहां भी कोई चीज घूमने लग जाएगी वहां वोर्टेक्स फॉर्मेशन होगा ही होगा, ठीक है ना। चलो फिर आओ आगे बढ़ते हैं। अब गाइज ये देखिए, जब पानी डिस्क के अराउंड घूम रहा है तो पानी यहां से वेन्स के बीच में भी एंटर करेगा, ऐसे वेन्स के बीच में भी एंटर करेगा, ठीक है ना, और फिर एंटर करने के बाद यहां से कुछ इस तरीके से बाहर निकल जाएगा। सो ये बाहर निकलने के बाद कहां जाएगा? ये बाहर निकलने के बाद पानी जो है, ड्राफ्ट ट्यूब के अंदर जाएगा, ठीक है ना, ड्राफ्ट ट्यूब के अंदर जाएगा। अब गाइस एक चीज नोट करो, अब थोड़ा सा ध्यान से देखो। अब मैं क्या करता हूं, अब ये जो डिस्क है जिसके ऊपर वेन्स लगे हुए हैं, ये हमारा रनर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रनर। और मैंने तो क्या दिखाया, जैसे सिंगल डिस्क दिखाई, सिंगल डिस्क के ऊपर वेन्स लगे हुए हैं, है ना, जैसे ये आपको बोला था, सिंगल डिस्क है, सिंगल डिस्क के ऊपर वेन्स लगे हुए हैं। दरअसल इसको श्राउड बोलते हैं, तो ये पता है क्या है, ये सेमी ओपन श्राउड है। सेमी ओपन मतलब क्यों? क्योंकि जो वेन्स हैं वो एक साइड से क्लोज्ड है, दूसरी साइड से ओपन है।
कई बार डबल क्लोज श्राउड भी होता है, तो जो वेन्स होते हैं वो दोनों साइड से क्लोज्ड होते हैं, और कई बार ओपन श्राउड भी होता है, फुल्ली ओपन श्राउड भी होता है, यहां भी डिस्क नहीं होती और यहां भी डिस्क नहीं होती। सो हम मान लेते हैं कि भैया डबल फुल्ली क्लोज श्राउड है, यानी कि वेन्स के पीछे भी और वेन्स के ऊपर भी, नीचे भी और ऊपर भी, दोनों तरफ डिस्क है, ठीक है। उससे क्या होगा, जो फ्लो है वो कंट्रोल्ड मैनर में होगा और फ्लो के अंदर टर्बुलेंस कम हो जाएगी, टर्बुलेंस कम हो जाएगी तो लॉसेस भी कम हो जाएंगे, ठीक है। बट ऑब्वियसली थोड़ा बनाना हैवी हो जाएगा, बनाना नहीं सॉरी पार्ट जो है हैवी हो जाएगा और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। ओके, सो आई होप यू गाइज आर गेटिंग द पॉइंट, आई होप यू गाइज आर गेटिंग द पॉइंट। सो मैं क्या बता रहा था, हाँ अब मैं रेडियल फ्लो मशीन बता रहा था। अब गाइज ये देखो, अब आपने क्या किया, ये जो हमारे पास स्पेस है जहां पे हमारा डिस्क अरेंज्ड है, रनर है जो हमारा, ठीक है, इस स्पेस में एक पॉइंट लेंगे, उस पॉइंट पे जो भी वेलोसिटी वेक्टर होगा उस वेलोसिटी वेक्टर को आप रिजॉल्व करेंगे। कैसे, उस वेलोसिटी वेक्टर के तीन कंपोनेंट्स निकालेंगे। सो दरअसल क्या होगा, अगर ये डिस्क क्लोज्ड डिस्क है, कैसी डिस्क है, क्लोज्ड डिस्क है, क्लोज्ड श्राउड है, सो आपको ऊपर भी डिस्क दिखाई देगी, ठीक है, और नीचे भी डिस्क दिखाई देगी, ठीक है, और बीच में आपको इस तरीके से वेन्स नजर आ रहे होंगे, ये ऐसे वेन्स नजर आ रहे होंगे। सही बोल रहा हूं या कुछ गलती कर रहा हूं तो बता दीजिए, नहीं तो फिर आगे बढ़ते जाएंगे। करेक्ट ना, करेक्ट। अब जरा देखिए, ये आपने पॉइंट लिया था, है ना, जिस पॉइंट पे आप वेलोसिटी वेक्टर लिखना चाहते हैं, ये वाला पॉइंट। सो क्या करेंगे, सबसे पहले शाफ्ट की एक्सिस लेंगे। अब आप बोलोगे शाफ्ट कहाँ है, तो दरअसल जो ऊपर वाली डिस्क होती है ना, ऊपर वाली डिस्क में बेरिंग अटैच्ड होता है और वो बेरिंग के अंदर शाफ्ट होता है, तो आपका जो शाफ्ट है वो ऊपर वाली डिस्क पे अटैच्ड है, ठीक है ना। सो ये आपके पास पॉइंट है जहां आप वेलोसिटी वेक्टर लिखना चाहते हैं। सो आप क्या करेंगे, एक कॉम्पोनेंट तो एक्सिस के अलोंग आएगा जो कि एक्सियल कॉम्पोनेंट होगा, दूसरा कंपोनेंट सेंटर। सो अगर ये सेंटर ऑफ रोटेशन है तो जब आप सर्कल बनाएंगे तो आपके पास रेडियल कंपोनेंट आएगा ऐसे, और एक टेंजेंशियल कंपोनेंट आएगा जो कि सर्कल के टेंजेंट होगा। सही है, यस। सो बेसिकली ये एक सिंगल असेंबली है, नीचे वाली डिस्क, वेन्स और ऊपर वाली डिस्क, ये दोनों एक सिंगल असेंबली है और ऊपर वाली डिस्क पे एक बेरिंग भी अटैच्ड है, उस बेरिंग में शाफ्ट माउंटेड है, ठीक है ना। तो शाफ्ट और बेरिंग के अंदर की है। सो होगा क्या, जब शाफ्ट घूमेगा तो ये पूरी असेंबली घूमेगी, मगर ये पूरी असेंबली कहाँ है, ये पूरी असेंबली इस केसिंग के अंदर है, ठीक है। इज दैट क्लियर, हाँ। सो ऐसा नहीं है, वो पता है क्या होता है, जब दोनों साइड से ओपन होते हैं ना तो आपके जो वेन्स होते हैं वो शाफ्ट पे ही अटैच्ड होते हैं, तो यहाँ पे एक हब बना रहता है, उस हब से वेन्स बाहर निकलते हैं। समझ आया, ऑल ऑफ यू प्लीज बी फास्ट। आई होप इतना समझ आ गया है कि ये वाले सर्कल पे एक वेलोसिटी कंपोनेंट ऐसे आएगा, वी टी एक कंपोनेंट ऐसे आएगा वी आर, और एक कंपोनेंट ऐसे आएगा वी एक्सियल, बट हम लोग इस वी एक्सियल को इग्नोर करने वाले हैं, इस केस में वी एक्सियल नेग्लिजिबल होगा, राइट। अब क्वेश्चन ये आता है कि इन मशीन्स को रेडियल मशीन क्यों बोल रहे हैं, क्वेश्चन क्या आ रहा है, इन मशीन्स को रेडियल मशीन क्यों बोल रहे हैं। अगेन आइडिया सेम है, आइडिया क्या है, आइडिया ये कहता है कि भैया एक क्रॉस सेक्शन से जो फ्लो होता है, वो हमेशा परपेंडिकुलर वेलोसिटी कंपोनेंट के कारण होता है। अब गाइज आप खुद ही देख लीजिए, पानी जो एंटर कर रहा है, सो पानी ये पाइप से पानी आ रहा था और पानी ऐसे घूम रहा था और पानी ऐसे एंटर करता जा रहा है, ये ऐसे रनर के अंदर एंटर कर रहा है। सो मेरे ख्याल से जो पानी है वो रनर के पेरिफेरल एरिया से एंटर कर रहा है, हाँ या ना, रनर के पेरिफेरल एरिया से एंटर कर रहा है, यानी कि ये वाले एरिया से, यस और नो, प्लीज बी फास्ट, यस और नो, चेक करो, ये जो मैंने रेड में एरिया दिखाया है मेरे ख्याल से पेरिफेरल एरिया से एंटर कर रहा है,
अब क्या होगा, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, पेरिफेरी से एंटर कर रहा है, पेरिफेरी से एंटर कर रहा है, तो पेरिफेरी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा, क्या रेडियल, क्या टेंजेंशियल कंपोनेंट पेरिफेरी के परपेंडिकुलर है? नहीं, तो वो फ्लो कॉज नहीं करेगा, वो तो सिर्फ टॉर्क जनरेट करेगा। क्या एक्सियल कंपोनेंट पेरिफेरी के परपेंडिकुलर है? नहीं। कौन सा कंपोनेंट परपेंडिकुलर है? रेडियल कंपोनेंट परपेंडिकुलर है, इसलिए इन मशीन्स को रेडियल फ्लो मशीन बोलेंगे। इनको क्या बोलेंगे आप? रेडियल फ्लो मशीन बोलेंगे। प्लीज बी फास्ट, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो हम क्या बोल, किन की बात कर रहे हैं? रेडियल फ्लो मशीन की बात कर रहे हैं, रेडियल फ्लो मशीन की बात कर रहे हैं। मगर अगर आप ये पूछना चाहें कि वाटर इंपिंजेस एट द सेंटर ऑफ द वेन, वाटर इंपिंजेस टेंजेंशियली एट द टिप ऑफ द वेन, सो एक्चुअल में सेकेंड अभी भी ट्रू है। सेकेंड अभी भी ट्रू है। सेकेंड क्या है? वाटर इंपिंजेस टेंजेंशियली एट द टिप ऑफ द वेन। बस पिछले केस में एक्सियल फ्लो मशीन थी, इस केस में रेडियल फ्लो मशीन है। आप बोलोगे सर कैसे? सर कैसे? ये देखो, पानी यहां से एंटर करेगा और ग्लाइड करता हुआ बाहर निकल जाएगा। तो पानी कैसे एंटर कर रहा है? टेंजेंशियली एट द टिप एंटर कर रहा है। यस सर नो, प्लीज बी फास्ट। यस सर नो, प्लीज बी फास्ट। करेक्ट है? करेक्ट है All of you? So, अगर ये समझ आ गया है, तो इसका मतलब आप अपनी हेडिंग को नोट कर लेंगे। आपकी हेडिंग यही है, जेट इंपिंजेस टेंजेंशियली एट द टिप ऑफ मूविंग कर्व्ड वेन। बट अब एक्सियल फ्लो मशीन की नहीं, रेडियल फ्लो मशीन की बात कर रहे हो। किसकी बात कर रहे हो? रेडियल फ्लो मशीन की बात कर रहे हो। ओके, सो आई होप नोट इट डाउन, आई होप नोट इट डाउन। अगर नोट कर लिया है तो मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है जी। अब गाइस, मैं क्या करूंगा, मैं नेगेटिव वाई के लॉन्ग देखूंगा। किसके लॉन्ग देखूंगा? नेगेटिव वाई के लॉन्ग, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन के लॉन्ग देख रहा हूं। किसके लॉन्ग? वर्टिकल डायरेक्शन के लॉन्ग। सो वर्टिकल डायरेक्शन में वो जो रनर है, तो रनर, सो ये ऐसे रनर है, ये इसको वर्टिकल डायरेक्शन में देख रहे हो, आप वर्टिकल डायरेक्शन में देख रहे हो। सो एक तरह से आपको ऐसे दिखाई देगा, है ना। सो आप देख सकते हैं कि जो आपको रनर की डिस्क है वो सर्कल की तरह दिखाई दे रही है, और जो वेन्स हैं, तो दूर दूर से देखोगे तो वेन्स जो है वो लाइंस की तरह दिखाई देंगी। सो मैं भी यही कर रहा हूं, मैं उन वेन्स को लाइंस की तरह दिखा देता हूं। सो मेरे पास क्या है, मेरे पास ये, आपके पास आउटर सर्कल ऑफ द रनर है। So, मेरे ख्याल से नेक्स्ट स्लाइड पे ही चलते हैं, यहाँ पे हॉज पॉज हो जाएगा, फिर हेडिंग ने काफी सारा स्पेस ले लिया। सो ये आपके पास आउटर वेन, आउटर सर्कल ऑफ द डिस्क है, लोअर डिस्क, बॉटम डिस्क, और ये आपके पास इनर सर्कल ऑफ द बॉटम डिस्क है, ठीक है। और हमें जो वेन्स दिखाई दे रही है, हमें वेन्स दिखाई दे रही है एज सर्कल, एज लाइन्स। कैसे दिखाई दे रही है? एज लाइन्स दिखाई दे रही है। सो एक्चुअल में क्या होता है, अगर ये, ओ सॉरी सॉरी, अगर पानी ऐसे आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है, सो पानी ने क्या करना है, पानी ने रनर के अंदर एंटर करना है। सो वेन्स की जो शेप होती है, दैट इज कॉनकेव फॉर द वॉटर। वेन्स की शेप कैसी होती है? कॉनकेव फॉर द वॉटर होती है, ठीक है। मगर जब आप सेंट्रीफ्यूगल पंप में सेम चीज पढ़ेंगे, सेम फिगर सेंट्रीफ्यूगल पंप में भी दिखाई देता है, वहां पे वेन्स कॉनकेव भी हो सकती हैं, कॉन्वेक्स भी हो सकती हैं, और रेडियल भी हो सकती हैं, मगर यहाँ वेन्स कॉनकेव होती हैं। सो कॉनकेव का मतलब है अंदर की तरफ बल्ज, यानी कि पानी जब एक वेन पे टकराएगा तो अंदर की तरफ बल्ज होगा, अंदर की तरफ बल्ज होगा। सो ये आपको वेन्स दिखाई देंगी ऐसे, ये आपको वेन्स दिखाई देंगी ऐसे, वेन्स बना लीजिए, ठीक है। ओके, अब पानी क्या करेगा, पानी जो है यहां से ऐसे एंटर करेगा, है ना, और ऐसे ऐसे, और हमें पता है कि ये डिस्क भी रोटेट करेगी। सो इफ द शाफ्ट इज रोटेटिंग एट ओमेगा रेडियन पर सेकेंड, देयरफॉर दिस डिस्क इज ऑल्सो रोटेटिंग एट ओमेगा रेडियन पर सेकेंड, राइट। अब इसमें पानी का जो फ्लो है वो आउटर सर्कल से इनर सर्कल की तरफ है या इनर सर्कल के से आउटर सर्कल की तरफ? प्लीज बी फास्ट। पानी का जो फ्लो हो रहा है वो इनर पेरिफेरी से आउटर पेरिफेरी है या आउटर पेरिफेरी से इनर पेरिफेरी है? बाय द वे, हमने जो डायरेक्शन दिखाई है वो सही डायरेक्शन है,
दिस इज द करेक्ट डायरेक्शन इफ यू वॉन्ट अ टर्बाइन, इफ यू वॉन्टेड दिस फिगर टू बी अ पंप तो डायरेक्शन ओपोजिट होनी चाहिए थी, और ये हम आज प्रूव कर लेंगे यूलर्स हेड में, ये हम आज प्रूव भी करेंगे यूलर्स हेड में। नहीं नहीं आबरा बेटा, ऐसा जरूरी नहीं है, वो बेटे तब होता है जब हम सेंट्रीफ्यूगल पंप के इनलेट ड्रॉ डिजाइन करते हैं। सो हम हमेशा ये चाहते हैं कि जब सेंट्रीफ्यूगल पंप अगर अपनी डिजाइन स्पीड पे ऑपरेट कर रहा है तो उस केस में V1 जीरो हो जाता है, अभी अभी पंप पे नहीं जाते, ठीक है ना। अब गाइज ये देखिए, ये वाले जो पॉइंट्स होंगे, सो ये क्या है, ये वेन का पॉइंट है, राइट, दिस इज वेन पॉइंट। और मेरे ख्याल से एक काम करते हैं, इनर सर्कल से एंट्री हो रही है तो इसको नाम देते हैं वन, हमेशा की तरह जिस पॉइंट से एंट्री होती है उसको वन बोलते हैं। इस पॉइंट से आउटर सर्कल से एग्जिट हो रहा है तो इसको नाम देते हैं टू, ठीक है ना। और हमारे पास क्या है, हमें पता है कि भैया ये वाला जो पॉइंट होगा वेन का, ये वाला जो पॉइंट होगा वेन का, सो इन पॉइंट्स का एक्सिस ऑफ रोटेशन से रेडियस कितना आएगा, आर वन, है ना। सो अगर डिस्क ओमेगा स्पीड से घूम रही है तो वेन्स के जो पॉइंट हैं दैट विल दे विल मूव एट अ स्पीड यू वन विच विल बी इक्वल टू ओमेगा आर वन, राइट। और उसी तरह ये वाला जो पॉइंट है वेन का, इसका रेडियस होगा आर टू, तो ये वाला पॉइंट कितनी स्पीड से आगे बढ़ेगा, यू टू इक्वल टू ओमेगा आर टू से, राइट। यस और नो, प्लीज बी फास्ट, प्लीज चेक कीजिए। और अगर ये करेक्ट है तो कौन सी वैल्यू ज्यादा है, यू वन वैल्यू ज्यादा है या यू टू वैल्यू ज्यादा है। अगर ये करेक्ट है तो कौन सी वैल्यू ज्यादा है, U1 वैल्यू ज्यादा है या U2 वैल्यू ज्यादा है, प्लीज बी फास्ट, जल्दी से चेक कर लो विच वैल्यू विल बी ग्रेटर। आई थिंक R1 इज ग्रेटर देन R2, देयरफॉर U1 विल बी ग्रेटर देन U2, राइट। अब गाइज आपको याद होगा हम किसी भी सिस्टम को इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि जो ऑप्टिमम कंडीशन होती है, ऑप्टिमम कंडीशन ये होती है कि इनकमिंग पे जो रिलेटिव वेलोसिटी आएगी, इनकमिंग पे जो रिलेटिव वेलोसिटी आएगी वो ब्लेड की टेंजेंट के अलोंग होनी चाहिए, है ना। इसका मतलब VR1, सो आपको याद होगा ये क्या बन जाएगी, VR1 बन जाएगी। तो VR1 और U1 इनके बीच का एंगल α1 होना चाहिए, हाँ है ना बीटा वन VR1 और U1 इनके बीच का एंगल β1 होना चाहिए। If we want that water should enter the runner with minimum of shock, with minimum of losses, तो वाटर की जो इनकमिंग रिलेटिव वेलोसिटी है वो ब्लेड के टेंजेंट के अलोंग होगी, इसलिए VR1 को β1 एंगल पे बना दिया विद U1। अब गाइज ये देखिए, ये आपके पास U1 है, ठीक है, और ये आपके पास VR1 है, वेट, VR1 है ऐसे, सो U1 और VR1 का सम क्या होगा, U1 और VR1 का सम क्या होता है, प्लीज बी फास्ट, जल्दी से बताइए, आप लोग कर चुके हैं, U1 और VR1 का सम क्या होता है, वेरी गुड, आशीष ऑल्सो, अनिरुद्ध ऑल्सो, मधु, बेटे U1 बड़ा होगा क्योंकि R1 की वैल्यू बड़ी है, सो आई थिंक velocity of प्लेट प्लस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ जेट वो इनकमिंग वेलोसिटी बन जाती है, इनकमिंग वेलोसिटी ऑफ द जेट बन जाती है, एब्सोल्यूट इनकमिंग वेलोसिटी ऑफ जेट बन जाती है, सो ये आपके पास क्या बन जाएगा, α1 बन जाएगा, राइट। टू एंड वेन के बिटवीन β2, हाँ, सो टू पे हम β2 ले लेंगे, टू पे क्या लोगे, β2 लोगे, ठीक है। सो ये आपके पास इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल बन गया, हमेशा की तरह सेम वेलोसिटी ट्रायंगल है जो आपने लास्ट टाइम देखा था, बस इस टाइम फर्क क्या हो गया है, इस टाइम फर्क ये हुआ है कि जब आप V1 वेक्टर के कंपोनेंट्स निकालेंगे, कौन से वेक्टर, एक तो वेन मोशन के अलोंग, उसको हम बोलते हैं वर्ल वेलोसिटी कंपोनेंट, राइट, और एक कंपोनेंट निकालते हैं वर्ल मोशन के परपेंडिकुलर जिसको आप बोलते हैं फ्लो कंपोनेंट। सो गाइज यहां पता है क्या हुआ है, यहां पे जो आपका VW1 आया है, सो VW1 तो U1 के पैरेलल होता है, और जो VF1 होता है वो U1 के परपेंडिकुलर होता है, सो जो VF1 है वो दरअसल रेडियल वेलोसिटी कंपोनेंट है, कौन सा वेलोसिटी कंपोनेंट है, रेडियल, सो ये यहां पे डिफरेंस आ गया, थोड़ा लैग हो गया है, एक बार क्वेश्चन रिफ्रेश करो जरा, चेक करो, यस थोड़ा लैग तो हो रहा है हमारे बीच में,
थोड़ा लैग तो हो रहा है, बट अभी कितना लैग हो रहा है ये मुझे, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 40-50 सेकंड का लैग है हमारे बीच में. सो यहाँ पे VF1 जो है दैट इज द रेडियल वेलोसिटी कॉम्पोनेंट. अब गाइज नेक्स्ट उस पे चलता हूं, नेक्स्ट उस पे चलता हूं. सो दिस इज द सेंटर ऑफ रोटेशन, दिस इज द शाफ्ट एक्सिस, और ये आपके पास ब्लेड है जिस ब्लेड का आप एनालिसिस कर रहे हैं. इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल तो हम बना चुके हैं, अब हमें आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल भी बनाना है. सो हमें पता है कि जो वी आर टू है, सो वी आर टू और यू टू इनके बीच का एंगल बीटा टू बनेगा. वी आर टू और यू टू इनके बीच का एंगल बीटा टू बनता है, और वी आर टू में यू टू एड कर देते हैं तो वी टू मिलता है, वी टू वेक्टर मिलता है. सो अगेन अगेन आप क्या करेंगे, आप सीधा बोलेंगे यू टू वेक्टर प्लस वी आर टू वेक्टर इज इक्वल टू वी टू वेक्टर, ठीक है ना, इज इक्वल टू वी टू वेक्टर. सो वी आर टू वेक्टर और यू टू वेक्टर के बीच का एंगल जो है बीटा टू है, और ये वाला जो एंगल है ये अल्फा टू है. ऑब्वियसली मैंने थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड दिखाया है क्योंकि मुझे ऐसा दिखाना चाहिए. ये देखिए, ये वी आर टू में यू टू एड करेंगे तो वी टू बन जाएगा, करेक्ट. मधु बेटा, इन डिफरेंट बुक्स देर आर डिफरेंट वेरिएबल्स, है ना. सो मतलब मुझे भी नहीं पता कि आप कौन सी बुक रेफर कर रहे हैं. सो मैंने तो साइन कन्वेंशन सिंपल बताया हुआ है कि v का मतलब होता है एब्सोल्यूट वेलोसिटी वेक्टर, vr मींस रिलेटिव वेलोसिटी, u मींस वेलोसिटी ऑफ द वेन, और vw मींस वर्ल्ड वेलोसिटी, vf मींस फ्लो वेलोसिटी. हम तो शुरू से ही सेम टर्म्स यूज कर रहे हैं, मैंने एक बार भी मेरी टर्मिनोलॉजी को चेंज नहीं किया, नोटेशन को चेंज नहीं किया. नाउ ओके बट वी आर टेकिंग बीटा एज द ब्लेड एंगल, वी आर टेकिंग बीटा एज द ब्लेड एंगल, ठीक है. अब गाइस ध्यान दीजिए सो गाइस चेक करना है. सो अगेन यहां पे मान लीजिए यहां से पानी एंटर कर रहा है, तो यहां जो पानी एंटर कर रहा है उसके दो वेलोसिटी कंपोनेंट आएंगे, एक आएगा vf जो कि रेडियल कंपोनेंट है, और एक आएगा vw जो कि टेंजेंशियल कंपोनेंट है. सो इसमें कौन सा कंपोनेंट ऐसा है जो फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और कौन सा कंपोनेंट ऐसा है जो फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्लीज बी फास्ट. कौन सा कंपोनेंट ऐसा है जो रिस्पॉन्सिबल है फोर्स के लिए, और कौन सा कंपोनेंट ऐसा है जो रिस्पॉन्सिबल है फ्लो के लिए. आई थिंक वर्ल्ड वेलोसिटी में जो चेंजेस आते हैं वो फोर्स पैदा करते हैं, और vf के अंदर जो चेंजेस आते हैं वो एक्सियल थ्रस्ट पैदा करते हैं जो सिर्फ फ्रिक्शन ऐड करेगा और कुछ भी नहीं करेगा, है ना. सो हम किस में इंटरेस्टेड है, हम वर्ल्ड वेलोसिटी में इंटरेस्टेड है. सो आप सीधा बोलेंगे, आप बोलेंगे फोर्स ऑन द रनर अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन इज इक्वल टू द रेट एट विच मोमेंटम इज एंटरिंग द रनर माइनस द रेट एट विच मोमेंटम इज आउटगोइंग फ्रॉम द रनर, राइट. मगर ये कौन सी डायरेक्शन लेनी है, अब यहां वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है, यहां पे आप सीधा बोलो टेंजेंशियल डायरेक्शन बोलेंगे सीधा, क्योंकि हम टेंजेंशियल फोर्स में इंटरेस्टेड हैं, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन एक्सियल फोर्स, राइट. अब गाइस ये देखिए, अब यहां पे क्या बन जाएगा भैया, जितना अगर स्टेडी स्टेट सिस्टम है और वैसे भी पानी इनकंप्रेसिबल होता है, तो जितना पानी यहां से अंदर आएगा उतना ही पानी इनर पेरिफेरी से बाहर भी चला जाएगा, जितना पानी यहां से एंटर कर रहा होगा उतना पानी यहां से बाहर भी चला जाएगा, यहां से, क्यों, क्योंकि इनकंप्रेसिबल फ्लूइड है. सो वाटर कमिंग इनसाइड इज इक्वल टू वाटर गोइंग आउटसाइड, सो इनकमिंग मास फ्लो रेट आउटगोइंग मास फ्लो रेट वो तो सेम है, उसको एम डॉट लिख देता हूं, और यहां पे क्या बन जाएगा vw1 माइनस vw2 बन जाएगा. मगर ध्यान रखना है, अगर वर्ल्ड वेलोसिटी जैसे कि vw, अगर vw पॉजिटिव टी के अलोंग है तो इसको पॉजिटिव लिखेंगे, और नेगेटिव टी के अलोंग है तो इसको नेगेटिव लिखेंगे. सो आपकी फोर्स तो वही आने वाली है, टेंजेंशियल फोर्स जो टॉर्क पैदा करेगी वो यही आएगी, है ना. प्लीज बी फास्ट नहीं, टॉर्क विल बी प्रोड्यूस बाय vw. वेरी गुड अनिरुद्ध, आबरा, दीपांकर, बहुत बढ़िया बेटा. ओके ठीक है,
सो अब एक चीज नोट करते हैं, अब हमें क्या चाहिए, हमें टॉर्क चाहिए, पावर चाहिए, है ना। अब एक चीज नोट करो, जैसे से फॉर एग्जांपल पावर लिखते हैं, सो पावर के लिए आप क्या करते हैं, फोर्स ऑन द वेन मल्टीप्लाइड बाय लीनियर स्पीड ऑफ द वेन करते हैं। क्या करते हैं, फोर्स ऑन द वेन मल्टीप्लाइड बाय लीनियर स्पीड ऑन द वेन करते हैं। अब गाइज एक चीज नोट करो, अगर मैं वेन की बात करूं, सो ये हमारे पास वेन था कुछ ऐसा, ये आपके पास ऐसा वेन है, ठीक है ना, राइट। इस तरह से कुछ वेन है और दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस पॉइंट का डिस्टेंस है आर वन, सो दिस पॉइंट इज मूविंग एट द स्पीड यू वन इक्वल टू ओमेगा आर वन, एंड इस पॉइंट का डिस्टेंस है आर टू, सो दिस पॉइंट इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ यू टू इक्वल टू ओमेगा आर टू। सो वेन के डिफरेंट पॉइंट्स डिफरेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं। रेडियल फ्लो मशीन का यही प्रॉब्लम है, वेन के डिफरेंट पॉइंट्स जो हैं डिफरेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं। सो क्वेश्चन ये आता है कि जब मुझे टेंजेंशियल फोर्स निकालना है, सॉरी पावर निकालना है, तो टेंजेंशियल फोर्स को मैं किस वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करूं। क्यों क्यों ये क्वेश्चन आता है, क्योंकि एक्चुअल में ये जो टोटल फोर्स है, दरअसल ये टोटल फोर्स वेन के सभी पॉइंट्स पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। सो वेन के हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ फोर्स लग रही है, जब सारी फोर्सेस का सम करेंगे तो ये वाला एफ टी आएगा। मगर वेन का ये वाला जो पॉइंट है, यहां भी फोर्स लग रही है थोड़ी सी, वो कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, यू वन स्पीड से। ये वाला जो पॉइंट है, यहां भी फोर्स लग रही है और ये कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, यू टू से। तो यहां तो कुछ ऐसा हो, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय यू का इंटीग्रल, तब पावर मिले। मगर ये कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। सो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए देखो आपने फोर्स निकाला ना, तो फोर्स को कैसे लिखते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम लिखते हो। उसी तरह टॉर्क को कैसे लिखते हो, टॉर्क को लिखते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्या लिखते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सो जैसे आप फोर्स लिखते हैं ना, वैसे ही आप टॉर्क भी डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते थे। टॉर्क कैसे फाइंड आउट करेंगे, द रेट एट विच एंगुलर मोमेंटम एंटर्स द रनर माइनस द रेट एट विच एंगुलर मोमेंटम गोज आउट ऑफ द रनर। किसका एंगुलर मोमेंटम, जो पानी एंटर कर रहा है उसका एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम लिखते कैसे हैं, एंगुलर मोमेंटम लिखते हो मास फ्लो रेट इनटू, सो मेरे ख्याल से आपको याद होगा एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखते हो, एम आर वो लिखते हो, क्या बोलते हैं उसको, आर क्रॉस वी वेक्टर लिखते हो, यस और नो, आर क्रॉस वी वेक्टर लिखते हो। सो इनलेट पे रेडियस कितना है, आर वन वेक्टर, आर वन है ना, और वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी विल बी वी वन वेक्टर माइनस एम डॉट आर टू क्रॉस वी टू। ये किसको समझ आ गया है, या किसी को भी डाउट हो यहां तक, किसको समझ आ गया है या किसी को भी डाउट हो, इंस्टेड ऑफ राइटिंग फोर्स फ्रॉम द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम फ्रॉम द डिफरेंस ऑफ लीनियर मोमेंटम, आई एम राइटिंग टॉर्क फ्रॉम द डिफरेंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम। डिफरेंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम कमिंग इनसाइड माइनस एंगुलर मोमेंटम गोइंग आउटसाइड, राइट। अब गाइज ये देखिए, ये आपके पास डिस्क था, ठीक है, और आउटर पेरिफेरी पे जो पानी एंटर कर रहा है, उस पानी की दो वेलोसिटी हैं, एक है VW1 और एक है VF1, राइट। और ये हमारे पास जैसे सेंटर है, सो सेंटर से हमने क्या किया, सेंटर से हमने, सॉरी ये आपके पास सेंटर है, तो सेंटर से हमने क्या लिया, R लिया, है ना, R1 लिया। अब गाइस खुद ही बताओ, जब R1 और वेलोसिटी वेक्टर इसका जब क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, तो भैया जो पैरेलल कंपोनेंट्स होते हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। सो VF1 और R1 ये तो पैरेलल है ना, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। तो एक ही वेलोसिटी कंपोनेंट का एंगुलर मोमेंटम आएगा, जो कि VW1 है। सो मैं सीधा लिखूंगा यहां पे, टॉर्क इज इक्वल टू, एक मिनट बेटा मधु, जस्ट अ सेकेंड बेटा, टॉर्क इज इक्वल टू एम डॉट आर वन वी डब्ल्यू वन माइनस एम डॉट आर टू वी डब्ल्यू टू। मधु डिड यू गेट इट बेटा, V1 वेक्टर, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ इनकमिंग जेट हैज टू वेलोसिटी कंपोनेंट्स, वन इज द फ्लो कंपोनेंट रेडियल कंपोनेंट टुवर्ड्स द सेंटर, वन इज द व्हर्ल कंपोनेंट टेंजेंट टू द सर्कल। सो व्हेन द फ्लो कंपोनेंट इज टुवर्ड्स द सेंटर, इट इज
parallel to the radius. So VF and R, they are parallel, so their cross product will be zero. VW and R, they are perpendicular, so their cross product will be non-zero. VW1, R1. Right? All of you, please be fast. All of you, please be fast. Any mistake till here? Abra, Anirudh, Dipankar, Madhu. ठीक है, सो जैसे आपने आउटर सर्कल के लिए किया, इनलेट के लिए किया, वैसे ही आप आउटलेट के लिए भी कर सकते हैं. बिकॉज एट आउटलेट ऑल्सो द वॉटर गोइंग आउट विल हैव टू कॉम्पोनेंट, वन इज VF2 टूवर्ड्स द सेंटर एंड अदर वन इज VW2 टेंजेंट. यस और नो? यस और नो? प्लीज बी फास्ट. So you have found out the torque directly. So जब भी आपको torque लिखना है, so आपको inlet और outlet velocity triangle से VW1 और VW2 चाहिए. Fine, तो मतलब बिल्कुल fine sir बोल दिया. ठीक है, अब power कैसे लिखते हैं? So power को आप सीधा लिख सकते हैं torque into omega. So ये बन जाएगा m dot VW1 R1 minus VW2 R2 multiplied by omega. Sir, why aren't we using IW equal to L? IW equal to L. ये मुझे भी नहीं पता IW equal to L क्या होता है. अच्छा I omega. अच्छा ठीक है, I omega भी कर सकते हैं, but I के लिए फिर moment of inertia लिखना पड़ेगा ना. वो भी क्या बनेगा, आप कह रहे हो I omega, तो I omega क्या होता है, mr square omega होता है ना बेटा. तो एम आर इंटू आर ओमेगा वो क्या होता है, एम आर वी होता है बेटे, सेम चीज होती है. बस यहां पे आपको आई डॉट लिखना पड़ेगा. आप क्यों? मास फ्लो रेट. ठीक है, सेम चीज है हमरा बेटा, सेम चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है. ओके, नाउ गाइस चेक, इफ यू टेक ओमेगा इनसाइड यू विल हैव एम डॉट VW1 R1 ओमेगा. VW1 R1 ओमेगा, मगर R1 ओमेगा तो U1 होता है, माइनस VW2 R2 ओमेगा जो कि U2 होता है. सो ये आपके पास आ गया VW1 U1. दिस इज द पावर प्रोड्यूस्ड इन वॉट्स एंड दैट वॉज द टॉर्क इन न्यूटन मीटर. इज द क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या हम क्वेश्चन कर सकते हैं? प्लीज बी फास्ट, जल्दी से बता दीजिए अगर क्वेश्चन कर सके. देखना है तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि हमें समझ आ जाएगा कि हमने कैसे इस चीज को यूटिलाइज किया है, कि हमने जो पढ़ा है उसको यूटिलाइज कैसे किया है, ये समझ आ जाएगा. So just a second. ठीक है, हाँ yes. तो जब हम फ्रांसिस टर्बाइन पढ़ेंगे तो फ्लो वेलोसिटी कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि क्या होता है, ऑपरेटिंग कंडीशंस डिस्चार्ज डिसाइड करती हैं, अवेलेबल सोर्स डिस्चार्ज डिसाइड करता है, एंड डिस्चार्ज अपॉन एरिया फ्लो वेलोसिटी कंपोनेंट होता है. So, इनलेट का डिस्चार्ज और आउटलेट का डिस्चार्ज सेम होना चाहिए. तो आप क्या कर सकते हैं, बेसिकली इनलेट और आउटलेट का फ्लो वेलोसिटी कंपोनेंट का रेशियो, यानी इनलेट एरिया और आउटलेट एरिया का रेशियो निकाल सकते हैं. सो दरअसल वेलोसिटी कंपोनेंट्स का जो रेशियो होता है वो एक तरह से हमें डिसाइड करके देता है कि जो विड्थ होगी रनर की एट द इनलेट एंड आउटलेट, कौन सी विड्थ, ये वाली विड्थ. सो ये जो विड्थ होती है ना, ये इनलेट और आउटलेट पे डिफरेंट होती है, सो ये आपका आउटलेट विड्थ है और ये आपका इनलेट विड्थ है. सो वो हमें फ्लो वेलोसिटी कंपोनेंट से रिलेट कर पाएंगे. ठीक है, चलो फिर आओ अभी तो आगे बढ़ते हैं. ये हम करेंगे दो तीन दिन में जब फ्रांसिस टर्बाइन पढ़ेंगे. सो कल का काम यही है, कल पेल्टन टर्बाइन की कंस्ट्रक्शन देखनी है, उसके कंपोनेंट्स देखने हैं, गवर्निंग मैकेनिज्म देखना है, और कोशिश करनी है कि हमने अब तक जो पढ़ा है उससे पेल्टन टर्बाइन के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे. फिर उससे नेक्स्ट डे फ्रांसिस टर्बाइन के बारे में 2 दिन पढ़ेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कैप्लन टर्बाइन के केस में भी ऐसे ही करेंगे. और फिर स्पेसिफिक स्पीड क्या होती है, वो पिक्चर में कैसे होती है, डिराइव कैसे होती है, स्पेसिफिक स्पीड का मतलब क्या है,
क्यों हम बोलते हैं कि पेल्टन टर्बाइन की स्पेसिफिक स्पीड इतनी होती है, कैपलन टर्बाइन की स्पेसिफिक स्पीड ऐसे होती है, क्यों हम बोलते हैं कि हाई डिस्चार्ज, हाई हेड हो, लो डिस्चार्ज हो तो पेल्टन टर्बाइन यूज कर लो, मीडियम हेड हो, मीडियम डिस्चार्ज हो तो फ्रांसिस टर्बाइन यूज कर लो, तो ये सारी चीजें भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ मधु बताते हैं बेटा, वहां पे भी जाएंगे। सो एक्चुअली हमने ये वाली जो चीज है ना, ये पहले भी डिस्कस की थी कि VW का साइन डिसाइड करना है, तो VW के साइन के अकॉर्डिंगली वो माइनस प्लस बन जाता है। आओ गाइस चेक करो, मेरे साथ साथ चालू करो। सो हमारे पास क्या है, द व्हील ऑफ अ रेडियल फ्लो मशीन। सो यहाँ व्हील की बजाय रनर ही लिखना चाहिए हमेशा, क्या लिखना चाहिए, रनर। ये मेरी गलत वो है टर्मिनोलॉजी। Has an inner radii of 30 centimeter and outer centimeter, 60, outer radii of 60 centimeter respectively. Water enters the blade at outer periphery. वो भी यही बोल रहा है कि भैया रेडियल फ्लो मशीन है, तो अगर हम रेडियल फ्लो मशीन को टॉप से देखेंगे हमें डिस्क दिखाई देगी, हम लोगों को डिस्क दिखाई देगी और डिस्क के साथ साथ कुछ ऐसे वेन्स दिखाई देंगे, इस तरीके से वेन्स दिखाई देंगे। मैं सिंगल वेन बनाता हूँ, सिंगल ही वेन बनाता हूँ ताकि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना बने चीजें, और ऐसे पानी आ रहा है जो कि इस तरीके से जाएगा, ठीक है ना। और ये जो डायरेक्शन हम देते हैं ये गाइड वेन्स की मदद से भी मिलती है और स्क्रोल के कारण भी मिलती है, सो अभी इसको शो करने की जरूरत नहीं है। अब वो बोलता है इट एंटर्स द आउटर पेरीफेरी, एंटर्स द ब्लेड एट आउटर पेरीफेरी, तो आउटर पेरीफेरी वन है, इनर पेरीफेरी टू है, ठीक है। एंड विद द वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड एंड द सप्लाई जेट मेक्स एन एंगल ऑफ 25 डिग्री विद टेंजेंट टू व्हील एट इनलेट टिप। वो बोल रहा है टेंजेंट टू व्हील, क्या बोल रहा है, टेंजेंट टू व्हील बोल रहा है। सो वो ये बोल रहा है अगर ये आपके पास टेंजेंट टू व्हील है, व्हील व्हील है ना, रनर, ये टेंजेंट टू द व्हील है, सो वो बोल रहा है कि जो आपके पास पानी की एब्सोल्यूट वेलोसिटी होगी, पानी की एब्सोल्यूट वेलोसिटी जो है वो इस टेंजेंट के साथ कितना एंगल बना रही है, कहां पे गया एंगल, 25 डिग्री एंगल बना रही है, कितना एंगल बना रही है, 25 डिग्री, और ये स्पीड कितनी है, v1 स्पीड है। अब वो बोल रहा है कि वॉटर लीविंग द ब्लेड हैज अ फ्लो वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, तो लीविंग द ब्लेड, लीविंग द ब्लेड का मतलब है एग्जिट, तो एग्जिट पे आपको फ्लो वेलोसिटी दे दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड। इफ द ब्लेड एंगल एट द एंट्रेंस एंड एग्जिट आर 40 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली, मेक द कैलकुलेशंस फॉर वर्क डन पर केजी ऑफ वॉटर, स्पीड ऑफ द व्हील इन रेडियन पर सेकेंड एंड हाइड्रोलिक एफिशियंसी ऑफ द मशीन। ओके, सो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूं और वहां पे प्रॉपर फिगर बनाता हूं। सो मेरे ख्याल से हमें ये दिया हुआ है कि ये आपके पास एक डिस्क है, रनर है, और ये इस पे रेडियल फॉर्म में वेन अटैच्ड है, कुछ इस तरीके से वेन अटैच्ड है, ठीक है। और ये थोड़ा सा बड़ा बना दिया, इतना बना देता हूं, इतना बना देता हूं, और अगर ये आपके पास डिस्क का सेंटर है तो ये जो रेडियस आएगा R2 आएगा, ये रेडियस हमें दिया हुआ है, कितना रेडियस दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर, ये रेडियस आपको दिया है 30 सेंटीमीटर, और जो आउटर पेरिफेरी का रेडियस है R1 वो 60 सेंटीमीटर है। इसको 1 क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां से पानी एंटर कर रहा है। अब वो बोलता है कि अगर आप व्हील की टेंजेंट बनाएंगे कहां पे, इनर पेरिफेरी पे, तो ये व्हील की टेंजेंट बना दी, मगर मेरे ख्याल से व्हील की टेंजेंट के अलोंग हमें वेन की वेलोसिटी भी दिखाई देगी, व्हील की टेंजेंट के अलोंग हमें वेन की वेलोसिटी दिखाई देगी u1, जिसको ओमेगा r1 बोल सकते हैं। सो वो बोल रहा है इस व्हील टेंजेंट के साथ, यानी कि u1 के साथ, किसके साथ, u1 के साथ, सो u1 के साथ जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ जेट का एंगल है दैट इज 25 डिग्री, ठीक है। और मेरे ख्याल से वेलोसिटी ऑफ वेन, वेलोसिटी ऑफ वेन प्लस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वाटर, वो एब्सोल्यूट वेलोसिटी बनता है। सो मेरे ख्याल से इन दोनों का सम ले लेंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वाटर आ जाएगा, हाँ या ना, प्लीज बी फास्ट, जल्दी चेक कर लो, यहां तक कोई गलती ना की हो, अगर कोई भी गलती की है तो फटाफट बता दो, कोई भी गलती की हो तो फटाफट बता दीजिए। और मुझे ये भी दिया हुआ है कि V1 की जो वैल्यू है वो 50 मीटर पर सेकेंड है,
और मुझे यू वन की वैल्यू पता नहीं क्योंकि मुझे ओमेगा नहीं पता, मुझे तो ओमेगा की वैल्यू पता ही नहीं है, बट मुझे एक चीज पता है, उन्होंने ये बोला है कि वेन एंगल एट द एंट्रेंस, ब्लेड एंगल एट द एंट्रेंस वो 40 डिग्री है, तो मेरे ख्याल से ब्लेड एंगल कैसे लिखते हैं, वो तो बीटा वन लिखते हैं, तो ये बन जाएगा 40 डिग्रीज बन जाएगा, करेक्ट। अब आप खुद ही सोचिए अगर मुझे U1 निकालना है, क्या निकालना है, U ओमेगा निकालना है, ये वाला फॉर्मूला देखिए, U1 is equal to ओमेगा R1, so ओमेगा निकालना है भैया, अगर R1 पता हो जो कि पता है 60 सेंटीमीटर, अगर U1 पता लग जाए तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि मेरा गेट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो मैं देखता हूं क्या मुझे पहले वेलोसिटी ट्रायंगल से U1 पता लगेगा, क्या मुझे पहले वेलोसिटी ट्रायंगल से U1 पता लगेगा, भाई लोग एक वेलोसिटी ट्रायंगल को कंप्लीटली सॉल्व किया जा सकता है अगर कोई भी तीन वैल्यूज पता हो, जैसे यहाँ पे हमें V1 पता है, यहाँ पे हमें 25 डिग्रीज पता है, और यहाँ पे हमें 40 डिग्रीज भी पता है, तो तीन वैल्यूज आपको पता है, आप बाकी सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। आओ देखते हैं कैसे, अगर ये 40 डिग्री है तो ये एंगल कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 140 डिग्री बन जाएगा, हाँ है ना। अब मुझे पता है अगर ये 140 डिग्री है, ये 25 डिग्री है, तो ये एंगल 15 डिग्री बन जाएगा। अब बहुत इजी है, साइन रूल लगा दो, तो साइन रूल कहता है साइड ऑफ ट्रायंगल यानी कि U1 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ओपोजिट एंगल, तो साइन ऑफ 15 डिग्रीज, उसी तरह साइड यानी कि V1 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ओपोजिट एंगल, तो V1 बाय साइन ऑफ 140 डिग्रीज, एंड साइड ऑफ एंगल VR1 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ओपोजिट एंगल, तो VR1 बाय साइन ऑफ 25 डिग्रीज, राइट। और V1 की वैल्यू मुझे पता ही है, V1 की वैल्यू है 50 मीटर पर सेकेंड, कितना है 50 मीटर पर सेकेंड, तो U का वैल्यू आएगा, U1 का वैल्यू आएगा V1 इंटू यानी कि 50 इंटू साइन ऑफ 15 डिग्री बाय साइन ऑफ 140 डिग्रीज, यस और नो, प्लीज बी फास्ट, और अगर ये करेक्ट है तो मुझे इसका आंसर बताओ, U1 का आंसर बताओ, अगर ये करेक्ट है तो U1 का आंसर बताओ, मेरा कैलकुलेटर कहाँ गया, सो U1 की वैल्यू बताइए फटाफट, 50 इंटू साइन 15 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 140, सो मेरे पास जो U1 की वैल्यू आ रही है वो 20.1325 मीटर पर सेकेंड आ रही है, 20.1325 मीटर पर सेकेंड आ रही है, वेरी गुड दीपांकर, मेरा भी सेम आ रहा है, इसका मतलब हमारा करेक्ट होगा आंसर। अब गाइज U1 पता लग गया, सो ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी, U1 बाय R1 आएगी, यानी कि 20.1325 डिवाइडेड बाय R1, सो R1 कितना है 60 सेंटीमीटर है। अच्छा एक चीज चेक करना, रेडियाई लिखा था या डायमीटर लिखा था, रेडियाई लिखा होना चाहिए, डायमीटर तो बहुत छोटा हो जाएगा, रेडियाई लिखा हुआ है, सो 0.6 है ना, सो 20.132 डिवाइडेड बाय 0.6, सो 33.553 रेडियन पर सेकेंड आ रहा है। इसको आरपीएम में कन्वर्ट करो, आपका आंसर आरपीएम में निकालो, कई बार आंसर आरपीएम में पूछा होता है, कई बार आंसर आरपीएम में पूछा होता है, थ्री ट्वेंटी पॉइंट फोर वन आरपीएम। करेक्ट, एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इस क्वेश्चन में ओमेगा निकालना होता अगर, तो आपको आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल की जरूरत नहीं पड़ती, ओमेगा तो डायरेक्टली निकल जाता, बस U1 फाइंड आउट करना था, यस और नो, प्लीज बी फास्ट, यस और नो। सो U2 वैल्यू, हाँ दीपांकर बेटा U2 भी निकाल सकते थे, U2 बाय R2 करके भी निकाल सकते थे, बट ये है, अच्छा इससे डायरेक्ट U2 आ गया, ये बात सही है, ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है। अब गाइस अब हमें आगे बढ़ना है, थोड़ा सा आगे बढ़ना है, अब वो बोलता है कि आपको वर्क डन भी फाइंड आउट करना है और आपको हाइड्रोलिक एफिशिएंसी भी फाइंड आउट करनी है, इनफैक्ट हम सारी चीजें फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब उसने आपको फ्लो वेलोसिटी एट एग्जिट भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, फ्लो वेलोसिटी एट एग्जिट, आओ देखते हैं। सो ये हमारे पास वेन था, ठीक है,
और जो डेफिनेटली जो डिस्क है वो इस डायरेक्शन में घूम रही है, कितनी स्पीड से, कितनी स्पीड से हमने अभी निकाला 20.13 रेडियन पर सेकेंड से शायद, है ना, कितना निकाला है 20.13 रेडियन पर सेकेंड से घूम रही है। इसका मतलब वेन का जो एग्जिट पॉइंट है, कौन सा पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, तो वेन का एग्जिट पॉइंट आगे बढ़ रहा होगा, कितनी स्पीड से आगे बढ़ेगा, U2 इक्वल टू ओमेगा R2 से आगे बढ़ेगा। तो हम लिख सकते हैं U2 इक्वल टू ओमेगा R2, यानी कि 20.13 इंटू R2 विच इज 0.3 मीटर्स। So, जैसा दीपांकर बता रहा है, दीपांकर कह रहा है सर आंसर आएगा 10.067। सो 20.13 बाय 2, 20.13 डिवाइडेड बाय 2, 10.065 मीटर पर सेकेंड। सो ये हमारे पास U2 की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब गाइस हमें ये भी पता है कि जो रिलेटिव वेलोसिटी एट आउटलेट होती है, सो अगर ये आपके पास U2 है, ये आपके पास U2 है और ये आपके पास VR2 है, तो जो रिलेटिव वेलोसिटी एट आउटलेट आएगी उन दोनों के बीच का एंगल आएगा 30 डिग्री आएगा, ठीक है, जो कि बीटा 2 होता है। उन्होंने दिया हुआ है कि ब्लेड एंगल एट द एग्जिट इज 30 डिग्री, राइट। और हमें यह भी पता है इन दोनों का जो सम होता है वो V2 आता है, कितना आएगा इन दोनों का सम, V2 आएगा। मगर एक चीज नोट करो, आई थिंक जब आप V2 लिखेंगे सो थोड़ा सा ध्यान देते हैं, पहले थोड़ा सा ध्यान देते हैं, इधर बनाता हूं फिगर। सो मान लीजिए जैसे ये आपके पास फिगर बन रहा है, ये आपके पास बन रहा है U2 बन रहा है और ये आपके पास VR2 बन रहा है, ठीक है। सो U2 प्लस VR2 ये बन जाएगा V2 बन जाएगा, यस और नो, ये हमारे पास V2 बन जाएगा। और उन्होंने बोला है V2 का जो फ्लो कंपोनेंट है वो 10 मीटर पर सेकंड है, तो ये आपके पास VF2 आ गया जो कि 10 मीटर पर सेकंड है। और हमें U2 भी पता है, U2 की वैल्यू भी पता है, और हमें VR2 और U2 के बीच का एंगल भी पता है जो कि 30 डिग्री है। हाँ कोई बात नहीं, ओमेगा गलत कर दिया पीछे, ओमेगा कहां गलत कर दिया बेटा, चेक कर ओमेगा की वैल्यू 33.53 है, ओमेगा की वैल्यू 33.53 है, यस सॉरी ओमेगा की वैल्यू 33.53 है, 33.53। सो 33.53 इंटू 0.3, सो दिस विल बी 33.53 इंटू 0.3। सो ये वैल्यू आ रही है 10.059 आ रही है, सेम ही आ रही है, हाँ क्या गड़बड़ है। सो ओमेगा 33.53 मल्टीप्लाइड बाय 0.3, इतना ही आ रहा है आंसर। थोड़ा सा मैंने कुछ पहले गड़बड़ किया होगा, 10.059 और 20.13 को 0.3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6.039 आता है, ठीक है। सो ये सही है अब, है ना। अब गाइज हम कहां पे थे, हाँ हम U2 पे थे। सो गाइज जो U2 की वैल्यू है वो 10.059 मीटर पर सेकंड है, राइट। सो ये आपको U2 मिल गया। अब अगेन इस ट्राइंगल में हमें तीन चीजें पता है, तो हमें बाकी वैल्यूज को सॉल्व करना है, राइट। अब गाइज सबसे पहले तो एक काम करता हूं, मैं ना जरा VR2 की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, VR2 की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। अगर मैं VR2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं, उससे दरअसल मुझे VW2 निकालना आसान हो जाएगा। कैसे, VR2 का ये वाला जो कंपोनेंट आएगा प्लस U2, ये VW2 बन जाएगा, है ना, वर्ल्ड वेलोसिटी कंपोनेंट 2 बन जाएगा। तो वही हमें करना है। अब जरा देखो, मैं एक काम कर सकता हूं, मुझे ये एंगल पता है 30 डिग्री। सो मेरे ख्याल से अरे नहीं मधु, ही वॉज सेइंग करेक्ट बेटा, दीपांकर वॉज सेइंग करेक्ट। चेक, जब मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहा था तो मैंने ओमेगा की वैल्यू 20.13 ले ली थी, मगर 20.13 किसकी वैल्यू है, 20.13 U1 की वैल्यू है। सो वो मेरी ही मिस्टेक थी,
he is telling correctly only, this was my mistake. 20.13 is the value of U1, okay? Not omega. Omega ki value humne nikali hai 33.53. Now guys, please check. I think if I take this triangle in red, ye wala triangle lete hain, ye wala triangle lete hain. So isme jo hypotenuse hai, और ये हाइपोटेन्यूज बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये बेस बन जाएगा. अगर आप VW2 फाइंड आउट करना चाहते हैं तो VW2 क्या होता है? VW2 इज द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ V2. तो VW2 फाइंड आउट करने के लिए आपको दो सम लेने पड़ेंगे. क्या? एक तो U2 का और इस बेस का, U2 का और इस बेस का, राइट? अब मैं इस बेस को फाइंड आउट करूंगा कैसे? देखो, tan of an angle is perpendicular upon base. So, जब आप tan करेंगे, हाँ, so बेटा देख, दीपांकर, बेटा देख, बहुत सिंपल था. अभी तो मैंने सीधा क्या किया है? VR2 वेक्टर में U2 वेक्टर ऐड कर दिया, so मेरे पास V2 वेक्टर बन गया. अभी तो मैंने बहुत सिंपल किया है, ठीक है ना? पर आपका जो डाउट है वो तब आएगा जब हम प्रॉपर साइन कन्वेंशन डिफाइन कर देंगे. अभी तो मैंने साइन कन्वेंशन डिफाइन ही नहीं किया है ना. अभी मैं बोल दूंगा आगे जाके, अब मैं बोल दूंगा कि आप क्या करो, जितने भी एंगल्स लोगे वो रिवर्स टेंजेंट के अलोंग लेने हैं. कैसे लेने हैं? रिवर्स टेंजेंट के अलोंग लेने हैं. मैंने ऐसा अभी तक इसलिए नहीं बोला है क्योंकि अगर मैं आपको साइन कन्वेंशन दे दूंगा तो आप बुक्स में कंफ्यूज हो जाएंगे. बुक्स में ढंग से साइन कन्वेंशन नहीं लिया हुआ है कई बुक्स में, डीएस कुमार में भी नहीं है, और क्या कहते हैं, सेंजल में तो क्वेश्चन ही बहुत कम है, तो आपको पता नहीं लगेगा. आर के बंसल वगैरह मैं फॉलो नहीं करता, ठीक है ना? इसलिए प्रॉब्लम आएगी, तभी आपको डिफाइन नहीं किया है. अब गाइज ये देखिए, ये चीज चेक कीजिए. सो अब हमारे पास क्या आएगा? ये एंगल, ये वाला जो बेस है, दिस बेस विल बी हाउ मच? दिस बेस विल बी VR2, सॉरी, tan 30 डिग्री. tan 30 डिग्री इज इक्वल टू VF2 अपॉन दैट बेस, ये वाला बेस. सो VF2 अपॉन बेस, तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी? VF2 बाय tan 30 डिग्री बन जाएगी. VF2 बाय tan 30 डिग्री बन जाएगी. हाँ जी, अब जरा देखिए, tan 30 डिग्री कितना होता है? √3 होता है. सो VF2 यानी कि tan 10√3 आ जाएगी. सो ये आपके पास आ गया 10√3. और VW2 फाइंड आउट करेंगे, सो मेरे ख्याल से जब VW2 फाइंड आउट करेंगे तो वो बन जाएगा U2 प्लस एक्स. क्या बन जाएगा? U2 प्लस एक्स. मगर U2 की वैल्यू चेक करते हैं, क्या हमने U2 की वैल्यू लिखी है? हाँ, 10.059. सो ये बन जाएगा 10.059 प्लस 10√3, यानी कि VW2 कितना आ गया? VW2 की वैल्यू आ जाएगी, VW2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10.059 प्लस 10 into √3, 10 into √3 यानी कि 27.379 मीटर पर सेकेंड. 27.379 मीटर पर सेकेंड आ गया, ठीक है. अब आपको पावर फाइंड आउट करना है, पावर फाइंड आउट करना है. सो पावर फाइंड आउट करने के लिए आपको VW1 भी चाहिए, U1 भी चाहिए, VW2 भी चाहिए, है ना? सो जब हम VW1 लिखेंगे, सो VW1, सो गाइज ये देखिए, ये आपका इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल था. सो अगर ये इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल है, सो दिस विल बी VW1. मगर VW1 कैसे लिखा जाएगा? हाइपोटेन्यूज का कॉस कॉम्पोनेंट, यानी कि 50 cos 25 डिग्री. 50 cos 25 डिग्री. सो VW1 की वैल्यू आ रही है 50 into cos 25 डिग्री, यानी कि 45.315 मीटर पर सेकेंड. सो दीपांकर देख बेटे, सही तरीके से ली थी ना वैल्यूज, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे क्वेश्चन में, ठीक है ना? ये क्वेश्चन बनाया ही ऐसे था कि अभी तक साइन कन्वेंशन डिफाइन नहीं की है, फिर भी आपको गलती नहीं होगी, क्योंकि वो वैल्यूज ही ऐसे डिसाइड किए हैं. VW1 ज्यादा ही आ रहा है, VW1 भी ज्यादा है, U1 भी ज्यादा है, अपने आप प्रोडक्ट ज्यादा बन जाएगा. क्लियर दीपांकर? सही है बेटा, कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट? कोई भी डाउट? अब गाइस, अब हम क्या लिखेंगे? पावर लिखेंगे. सो पावर कैसे लिखते हैं? m.VW1U1 -VW2U2 लिखते हैं. VW1U1 -VW2U लिखते हैं. और हमें दिया हुआ है फाइंड आउट द पावर पर केजी पर सेकेंड मास फ्लो रेट, राइट? सो
m डॉट की वैल्यू 1 डालेंगे, vw1 की वैल्यू आप फाइंड आउट कर चुके हैं जो कि 45.315 आई है. कितनी आई है? 45.315 आई है. फिर u1 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर चुके हैं, तो u1 की वैल्यू 20.132 थी, 20.132 माइनस vw2, सो vw2 की वैल्यू फाइंड आउट की 27.379 into u2, सो u2 की वैल्यू भी आपने फाइंड आउट किए है 10.059. सो गाइस वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिए, प्लीज प्लीज चेक कीजिए वैल्यू कितना आ रहा है. 45.312 into 20.132 minus 27.379 into 10.059. सो ये वैल्यू बन जाएगी 636.81 watts. यस और नो प्लीज बी फास्ट, यस और नो प्लीज बी फास्ट ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू, इज इट करेक्ट? ठीक है. अच्छा VW1 और VW2 की उसमें आ रहे हो आप, सो वो केस टू केस वेरी करता है. ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा सेम डायरेक्शन में हो, ओपोजिट डायरेक्शन में भी होते हैं. सेंट्रीफ्यूगल पंप्स में तो ज्यादातर ओपोजिट डायरेक्शन में ही होते हैं, ठीक है ना, बट वो डिजाइन पे डिपेंड करेगा. तो बिल्कुल टेंशन नहीं ले, जब मैं फ्रांसिस टर्बाइन और कैपलन टर्बाइन कराऊंगा तो दोनों टाइप के क्वेश्चन रखूंगा. एक तो हम प्रॉपर साइन कन्वेंशन भी डालेंगे और साइन कन्वेंशन के बाद दोनों केसेस देखेंगे जहां पे ऐड भी हो रहा है और सब्ट्रैक्ट भी हो रहा है. बिल्कुल टेंशन नहीं लो, ठीक है ना. अभी तो मैंने सिंपल जो लैंग्वेज दे रखी थी बस वो लैंग्वेज फॉलो की. मुझे पता होता है, मुझे पता है कि भैया जो हमारी यू वैल्यू होगी वो तो सर्कल के टेंजेंट आएगी. U वैल्यू के साथ जो रिलेटिव वेलोसिटी का एंगल बनता है वो बीटा 2 बनता है. उस हिसाब से मैंने VR भी डाल दिया, ठीक है. और रिलेटिव वेलोसिटी में जब U ऐड करते हैं तो आपके पास इधर ऐसे एंगल आ जाता है. सही बात है ना, ठीक है. अब देख नेक्स्ट आगे क्या डिफाइन करेंगे. आगे एक साइन कन्वेंशन ले लेंगे, ठीक है. उस साइन कन्वेंशन में क्या कहेंगे, जो भी एंगल लिखना है वो एंगल हमेशा रिवर्स टेंजेंट, कैसे, रिवर्स टेंजेंट के साथ लेना है. कैसे लेना है, रिवर्स टेंजेंट के साथ लेना है और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लेना है, मान लीजिए, ठीक है. अब क्या होगा, अब ये आपके पास इनर सर्कल आ रहा है और ये आपके पास वेन है, कुछ ऐसे वेन है, ठीक है. सो जब आपके पास रिवर्स टेंजेंट बोलते हैं, रिवर्स टेंजेंट का मतलब होता है टेंजेंट टू द व्हील. क्या होता है, टेंजेंट टू द व्हील. सो ये आपके पास रिवर्स टेंजेंट बन जाएगी इस सेंस में, जबकि आपका व्हील ऐसे घूम रहा है. अब आपको बोला हुआ है कि जो वेन टिप है यहां पे जो टेंजेंट है वो टेंजेंट रिवर्स टेंजेंट के साथ कितना एंगल बना रही है. सो आप एंगल कैसे मेजर करेंगे, लाइन का एंगल कैसे मेजर करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मेजर करेंगे. कैसे मेजर करोगे, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में. उसी तरह यहां पे भी आपको रिवर्स टेंजेंट लेनी होगी. तो ये आपके पास सर्कल है, ये आपके पास टेंजेंट है, तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मेजर करोगे हर चीज को. अब वो बोलता है कि वेलोसिटी वेक्टर, सो जो भी वेलोसिटी वेक्टर है वो एंगल बना रहा है इतना. सो जब भी एंगल लिखा होगा वो रिवर्स टेंजेंट के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होगा. हर एंगल विल बी इन फॉर्म ऑफ रिवर्स टेंजेंट विद एंटी क्लॉकवाइज सेंस. अच्छा सो अनिरुद्ध बेटा इसमें स्टूपिड वाली कोई बात नहीं है, मैं भी कंफ्यूज हो सकता था ऐसे. दरअसल जब तक लिखा ना हो ना कि रिलेटिव वेलोसिटी, तब तक एब्सोल्यूट वेलोसिटी ही होती है, ठीक है, ऐसे याद रखो. जब तक लिखा ना हो रिलेटिव वेलोसिटी तब तक एब्सोल्यूट वेलोसिटी ही होती है. ऐसे ही एफएम में जब तक लिखा ना हो एब्सोल्यूट प्रेशर तब तक गेज प्रेशर होता है, ठीक है. तो ये आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, इसमें कुछ भी स्टूपिड नहीं है, इसमें कुछ भी स्टूपिड नहीं है. इनफैक्ट अच्छा क्वेश्चन तभी बनता जब मैं लिखता एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ वाटर लिखता, ठीक है. ओके इस तरह से क्वेश्चन इसलिए भी लिख दिए जाते हैं क्योंकि इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं, जो R&D नहीं, जो लोग काम करते हैं वो लोग तो बेसिक टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं ना, उनको इतना पता नहीं होता है कि अंदर क्या हो रहा है. सो वो कभी भी रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में जानते ही नहीं है, वो तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी बोलेंगे. इसीलिए इस तरह से क्वेश्चन बने हुए हैं.
हाँ, अगर स्लाइडिंग लिखा हो, इट इज स्लाइडिंग विद द वेलोसिटी, तो डेफिनेटली रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगा। ठीक है, चलो फिर एक क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब हाइड्रोलिक एफिशिएंसी भी पूछा हुआ था, सो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे हाइड्रोलिक एफिशिएंसी लिखते हैं पावर पावर डेवलप्ड बाय द टर्बाइन डिवाइडेड बाय एनर्जी सप्लाइड टू द टर्बाइन। अब गाइस देखो, यहाँ पे जब हम इनकमिंग फ्लूइड की बात करते हैं, इनकमिंग फ्लूइड में प्रेशर हेड हो सकता है, काइनेटिक हेड हो सकता है, एलिवेशन हेड हो सकता है। आप देख रहे होंगे कि पूरे क्वेश्चन में प्रेशर हेड कहीं मेंशन नहीं किया हुआ, एलिवेशन हेड कहीं मेंशन नहीं किया हुआ, सिर्फ काइनेटिक हेड मेंशन किया हुआ है। सिर्फ ये मेंशन किया हुआ है कि जो इनकमिंग फ्लूइड है उसकी स्पीड इतनी है। ठीक है ना, इसका मतलब हमें दिया हुआ है कि हमें सिर्फ काइनेटिक एनर्जी मिल रही है। क्या मिल रही है? काइनेटिक एनर्जी मिल रही है। सो आप सीधा क्या लिखेंगे? हाइड्रोलिक एफिशिएंसी इज इक्वल टू पावर डिवाइडेड बाय रेट एट विच एनर्जी इज सप्लाइड। तभी मैंने वन लिखा। और ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हाफ एम डॉट। सो एम डॉट मास आ रहा है, कितनी काइनेटिक एनर्जी के साथ आ रहा है? V1² / 2 के साथ आ रहा है। सो अब आपके पास सीधा पावर आपने निकाली है, कितनी पावर निकाली है? 636.81, 636.81 डिवाइडेड बाय हाफ एम डॉट, कितना लिया था हमने? वन लिया था, इंटू V1² 50² सो ये आपके पास बन जाएगा 2 इंटू 636.81 डिवाइडेड बाय 2500, राइट? करेक्ट। सो आई थिंक देर इज सम चैनल ही दे आर हेयर। थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट। सो गाइस चेक, इज दैट करेक्ट? प्लीज फाइंड आउट द एफिशिएंसी नाउ, प्लीज चेक द एफिशिएंसी राइट नाउ। कितना एफिशिएंसी आ रहा है? कितना एफिशिएंसी आ रहा है? सो मेरे ख्याल से 2 इंटू 636.81 डिवाइडेड बाय 2500 इज इक्वल टू 0.5094, सो इट्स लाइक 50.94%, 50.94%। दिस इज क्वाइट अ गुड एफिशिएंसी इफ यू कंपेयर इट विद थर्मल पावर प्लांट्स। तो अभी तो मुझे नहीं पता कि कौन सा पावर प्लांट है जिसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी है, मगर 2007 या 2010 तक भी, जो इस इनफैक्ट उसके बाद भी नीदरलैंड्स में एक थर्मल पावर प्लांट है जिसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम थी, इट वाज 47%। और वो 47% इसलिए हो पा रही थी क्योंकि जो हीट वेस्ट हो रही थी वो उस हीट को शहर में जो बिल्डिंग्स हैं उन्हें गर्म करने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, तब जाके 47% एफिशिएंसी अचीव हुआ था। उसके मुकाबले तो ये 50.94% एफिशिएंसी बहुत अच्छा है। सो हाइड्रोलिक मशीन्स का बेस्ट पार्ट यही है, खासकर जब पेल्टन टर्बाइन्स में चले जाते हैं वहां तो एफिशिएंसी और भी हाई आती है, 90% तक चली जाती है। दैट्स व्हाई हाइड्रो पावर प्लांट्स आर ऑलवेज बेटर पावर प्लांट्स एज कंपेयर टू थर्मल पावर प्लांट्स। थर्मल पावर प्लांट्स में पॉल्यूशन बहुत जनरेट होता है। आप वहां जाओगे ना, वहां पे जीएम के भी जो ऑफिस होते हैं ना, उनके ऑफिस में भी धूल मिट्टी होती है, फाइलों को झाड़ोगे तो धूल मिट्टी निकलेगा। अब तो चलो नए ऑफिस बन गए तो फिर भी ठीक हो गया। हाँ, सो ऐसा है दीपांकर बेटा, जो हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं ये एक्चुअल में वो लोग ये कैलकुलेशंस नहीं करते, क्योंकि वहां टर्बुलेंस भी होता है, वहां लॉसेस भी होते हैं, फिर वहां पे बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन भी होगा, मतलब नॉन यूनिफॉर्म फ्लो भी होगा। सो ये तो हम बिल्कुल आइडियल कंडीशन सॉल्व कर रहे हैं ना, है ना? आपकी बात भी बिल्कुल सही है, अलग अलग वेन्स पे स्पीड भी अलग अलग हो जाएगी क्योंकि जैसे जैसे पानी आगे बढ़ेगा। वैसे तो हमने स्क्रोल केयर केसिंग का पैसेज जो है वो छोटा बनाया होता है ताकि वेलोसिटी मेंटेन रहे, मगर सिर्फ एक पर्टिकुलर ऑपरेटिंग कंडीशन होगी जहां पे बेस्ट परफॉर्मेंस आएगी, बाकी बाकी ऑपरेटिंग कंडीशंस पे वो वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं रहेगी। सो हम जो भी कर रहे हैं वो बहुत बेसिक कैलकुलेशंस हैं, एक्चुअल में कैलकुलेशंस काफी डिफरेंट होती हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, ठीक है, पर वो हमारे लिए, मेरे लिए भी आपको एक्सप्लेन करना बहुत टफ है, मैं भी आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता वो। मुझे भी पूरी प्रॉपर किताब पढ़नी पड़ेगी पेल्टन टर्बाइन पे, 400-500 पेज की, तब जाके मैं आपको वो चीजें सिखा पाऊंगा, ठीक है ना? सो जो जब हम कंपनीज में जाते हैं, भेल वगैरह में जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उन लोगों को एक साल में ही सब कुछ आ जाता है, ऐसा नहीं होता है। उनके पास कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, उन कोड्स में दिया रहता है कि इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, तो उस हिसाब से वो फॉर्मूला लगा के वैल्यू लिखते हैं और डिजाइन कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको पीछे का बैकग्राउंड पता होता है,
ऐसा नहीं है कि डिजाइनर्स को पीछे के सारे बैकग्राउंड पता होते हैं, वो तो धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तब पता लगते हैं, बट पहले उनके पास बुक्स होती हैं, बुक्स में दिया रहता है ये वैल्यू आ रही है तो इतनी थिकनेस ले रही है, ये वैल्यू आ रही है तो इस तरह से प्रोफाइल देनी है, समझ रहे हैं आप? ठीक है, ओके गाइस, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, सो अब हम सारे केसेस कर चुके हैं, ऑलमोस्ट सारे केसेस कर चुके हैं। अब गाइस एक चीज नोट करो, अभी आपने रेडियल फ्लो मशीन्स के लिए वैल्यू निकाली, सो अगर हम रेडियल फ्लो मशीन्स की बात करें तो मैं उसी डिस्क को वर्टिकल बना देता हूं, ताकि बाकी केसेस के साथ कंपेयर कर सकूं। तो ये आपके पास रेडियल फ्लो मशीन वाली डिस्क है, पानी एक साइड से एंटर कर रहा है टेंजेंशियली एट द टिप और ग्लाइड करता हुआ फिर यहां से ऐसे बाहर निकल जाएगा। अब बाकी जरा डिस्क को देखिए, बाकी केसेस को देखिए जो आपने अभी तक किए हैं। सो आपने एक केस तो ये किया था इस तरीके से, ए ऐसे ये वाला केस किया था, ये ऐसे केस किया था, ठीक है, जिसमें हमारे पास पेल्टन टर्बाइन थी। सो ये आपके पास पेल्टन टर्बाइन का बकेट था और नोजल का जो पानी था वो यहां पे स्ट्राइक करने के बाद यहां से बाहर निकल जाएगा, राइट और नॉट? उसी तरह फिर आपने तीसरा केस किया था, सो तीसरा केस भी एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, आई एम सॉरी थोड़ा सा ये फिगर डिस्टॉर्ट हो गया है, मेरे को इसकी ना हैबिट नहीं बन पा रही है ज्यादा भी। सो तीसरा फिगर आपने ऐसे किया था और वो ऐसे पानी जा रहा था। सर इन बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन इज टीवीएल कंसिडर्ड अलॉन्ग विद एचबीएल बिकॉज हीट प्रोड्यूस ड्यू टू फ्रिक्शन? नहीं, टीबीएल और एचबीएल अलग होती हैं, मगर हमारी हाइड्रोलिक टर्बाइन्स में इतना फर्क नहीं पड़ेगा। हमारी हाइड्रोलिक टर्बाइन्स में जो हीट प्रोड्यूस भी हो रही है वो टेम्परेचर को इतना चेंज नहीं कर रही है, ठीक है ना, इतना फर्क नहीं पड़ेगा हमारे केस में। बट यस, जब स्टीम टर्बाइन्स वगैरह की बात करते हैं तो आप उसको कंसिडर करते हैं, यहाँ पे नहीं कंसिडर करने की जरूरत है टीबीएल की। क्यों? क्योंकि पानी की स्पेसिफिक हीट कंपैरेटिवली हाई है और फ्लो इतना हाई रेट से होता है कि हीट को प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता है कि वो अंदर का टेम्परेचर राइज कर जाए, तो वो पानी उसको एब्जॉर्ब करता है बाहर निकल जाता है, ठीक है, जो भी पानी उसे एब्जॉर्ब करता बाहर निकल चुका होता है वो पहले ही। सो गाइस चेक करो, अब गाइस चेक करो, देखो डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है, ये पॉइंट है इनलेट का और ये पॉइंट है आउटलेट का। सो आप देख सकते हैं इनलेट पॉइंट का रेडियस R1 है और आउटलेट पॉइंट का रेडियस R2 है, दोनों पॉइंट्स के रेडियस में डिफरेंस है। दूसरी टर्बाइन देखते हैं, ये पॉइंट है इनलेट का और ये पॉइंट है आउटलेट का, आप देख सकते हैं दोनों पॉइंट्स का रेडियस जो है सेम आएगा। और ऐसे यहां पे देखिए, ये पॉइंट है इनलेट का और ये पॉइंट है आउटलेट का, दोनों पॉइंट्स का रेडियस सेम आएगा। यानी कि जब मैं टेंजेंशियल फ्लो मशीन की बात कर रहा हूं, सो ये मेरी टेंजेंशियल फ्लो मशीन है, ठीक है, टेंजेंशियल फ्लो मशीन है, ये मेरी एक्सियल फ्लो मशीन है और ये मेरे पास रेडियल फ्लो मशीन है। सो टेंजेंशियल फ्लो, रेडियल फ्लो और एक्सियल फ्लो, इन तीन मशीन्स में पहला डिफरेंस तो यही है कि इनके R1 और R2, इसमें R1 R2 बराबर नहीं है। हाँ जी, यहाँ पे R1 R2 बराबर है, यहाँ पे R1 R2 बराबर है। यस और नो, प्लीज बी फास्ट, यस और नो? आवरा बेटे ठीक है ना, डेफिनेटली पानी हीट प्रोड्यूस कर रहा है मगर पानी का स्पेसिफिक हीट भी हाई होता है, तो पानी के टेम्परेचर में इतने जल्दी चेंजेस नहीं आएंगे बेटे, ठीक है ना। आप एक होता है पानी जमीन पे मूव कर रहा है और फ्रिक्शन के कारण हीट पैदा हो रही है, और एक होता है आप किसी चीज को गर्म कर रहे हैं उसके कारण हीट पैदा हो रही है। यार वो वाली इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, फ्रिक्शन की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं होती, ठीक है, पानी के अंदर फ्रिक्शनल हीट की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं होती, काफी कम होती है, और जो भी थोड़ी बहुत हीट प्रोड्यूस होगी उसको पानी लेके बाहर जा चुका होगा। इज दैट फाइन? कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, बोर हो गए क्या यार? आजकल बोर हो जाते हो तुम लोग मेरे से, पता नहीं क्या चक्कर है। ओके ठीक है, सो ये एक डिफरेंस है ना। अब यार याद करो, जब आपने यहां पर फॉर्मूला निकाला था, आपने फॉर्मूला जैसे ये रेडियल, ये वाला याद होगा, ये जब आपने फॉर्मूला निकाला था, सो ये आपने पावर का फॉर्मूला निकाला था, m डॉट वी डब्ल्यू वन माइनस वी डब्ल्यू टू इंटू यू निकाला था, राइट? उसी तरह जब यहां भी फॉर्मूला निकालेंगे तो m डॉट वी डब्ल्यू वन
माइनस वी डब्ल्यू टू इंटू यू आएगा, ठीक है ना। और डेफिनेटली ये माइनस प्लस, ये माइनस प्लस, तो कैसे लिखते हैं माइनस प्लस। सो मान लीजिए आपने ये टेंजेंशियल डायरेक्शन लिख दिया, ये टेंजेंशियल डायरेक्शन लिख दिया, ठीक है। सो अगर वी डब्ल्यू वन की बात करें, सो वी डब्ल्यू वन तो टेंजेंट के अलोंग है तो उसको पॉजिटिव लिखेंगे, और वी डब्ल्यू टू तो ओपोजिट टेंजेंट के अलोंग है उसको नेगेटिव लिखेंगे। तो जब यहाँ पे आप नेगेटिव वैल्यू डालोगे वो अपने आप पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है ना। जब वी डब्ल्यू वन प्लस टी के अलोंग हो तो प्लस साइन, वी डब्ल्यू टू नेगेटिव के, वी डब्ल्यू टू नेगेटिव टी के अलोंग हो तो नेगेटिव साइन एक्स्ट्रा एड करना है। अब जरा ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, m dot vw1 u1 minus vw2 u2। So, दरअसल क्या है, कुछ दिनों से मैं थोड़ा सोच रहा था। So, क्या होता है, हाँ ठीक है। So, guys, चेक करो, चेक करो। अब हमें पता है कि भैया टेंजेंशियल टर्बाइन में r1 r2 बराबर हैं तो u1 u2 बराबर आएंगे, एक्सियल टर्बाइन में r1 r2 बराबर हैं तो u1 u2 भी बराबर आएंगे। So, एक काम करना, यहाँ पे u1 u2 को इक्वल लिखना। सो अगर u1 u2 इक्वल हो तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, m डॉट वी डब्ल्यू वन माइनस वी डब्ल्यू टू यू बन जाएगा, यस और नो। अगर r1 और r2 इक्वल हो तो अपने आप आपको वही फॉर्मूला मिल जाएगा जो टेंजेंशियल मशीन में या एक्सियल मशीन में निकाला था, यस और नो। प्लीज बी फास्ट, यस और नो, प्लीज बी फास्ट, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। सो दरअसल यही फॉर्मूला जो है ये जनरल फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला इज द जनरल फॉर्मूला, दिस इज जनरलाइज्ड फॉर्मूला फॉर ऑल द मशीन्स एंड इट इज कॉल्ड एज यूलर्स फॉर्मूला कह लो। ये सभी मशीन्स के लिए जनरलाइज्ड फॉर्मूला है, चाहे वो पंप हो, चाहे वो टर्बाइन हो, चाहे वो इम्पल्स मशीन हो, चाहे वो रिएक्शन मशीन हो, सभी मशीन्स के लिए जनरलाइज्ड फॉर्मूला है, ठीक है। सो आप क्या कहते हैं, आप सीधा लिखेंगे फॉर एनी मशीन, फॉर एनी मशीन, एनी मशीन, सो अभी टर्बाइन लिखते हैं, अभी पंप नहीं लिखते। फॉर एनी टर्बाइन पावर प्रोडक्शन इज गिवन एज मास फ्लो रेट थ्रू द रनर इंटू वी डब्ल्यू वन, वी डब्ल्यू वन यू वन माइनस वी डब्ल्यू टू यू टू, ठीक है। VW1 U1 minus VW2 U2। अब आगे के काम के लिए, यानी पेल्टन टर्बाइन, फ्रांसिस टर्बाइन, कैपलन टर्बाइन, ये सब पढ़ने के लिए एक टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे जिसको आप बोलेंगे यूलर्स हेड। क्या बोलोगे, यूलर्स हेड। सो हमारी टर्बाइन क्लासिफिकेशन एंड टर्मिनोलॉजीज में एक पहली टर्म मैं डाल रहा हूं, यूलर्स हेड, यूलर्स हेड, ठीक है। आओ देखते हैं यूलर्स हेड क्या है। सो फॉर नाउ एक एजम्पशन ले लो, और एजम्पशन क्या है कि मैं किसी भी तरह के लॉसेस को कंसिडर नहीं कर रहा। काफी सारे लॉसेस होते हैं, जैसे जब पानी रनर पे एंटर कर रहा होता है, सो वहां पे एंट्री लॉस दिखाई देता है, फिर रनर के अंदर फ्रिक्शनल लॉसेस होते हैं, टर्बुलेंस भी जनरेट होती है, फिर रनर से जब पानी एग्जिट करता है तो वहां भी लॉसेस होते हैं, तो काफी सारे लॉसेस होते हैं, हम उन लॉसेस को कंसिडर नहीं कर रहे। सो आप सीधा लिखेंगे नो लॉसेस, ठीक है जी। अब गाइस देखिए, एक टर्बाइन का मतलब क्या होता है, टर्बाइन का मतलब होता है कि आपके पास एक फ्लूइड है, एनर्जी का सोर्स है, उस एनर्जी के सोर्स को आप पावर में कन्वर्ट कर रहे हैं, उस सोर्स के अंदर जो एनर्जी है उसे हम पावर में कन्वर्ट करेंगे। सो मान लीजिए अगर आपके पास टर्बाइन है, सो टर्बाइन का मतलब क्या है, एक कंट्रोल वॉल्यूम जिसमें पानी अंदर आएगा, पानी बाहर जाएगा। सो पर यूनिट टाइम कुछ मास अंदर आएगा, उस मास के अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, प्रेशर हेड होगा, है ना। थर्मल टर्बाइन्स की बात नहीं कर रहे, तो इंटरनल एनर्जीज को, थर्मल एनर्जीज को भूल जाओ। सो जो मास अंदर आ रहा है, दैट विल ब्रिंग सम एनर्जी विद इट। सो इसको लिखा है ई डॉट वन, एक सेकेंड में कितना एनर्जी अंदर आया। अब जो एनर्जी अंदर आ रहा है दैट विल कन्वर्टेड इंटू पावर, और शाफ्ट के थ्रू उसको जनरेटर में भेजेंगे।
और बाकी जो बचा हुआ एनर्जी है वो मास के साथ बाहर निकल जाएगा। सो उसको लिख देता हूं E.2। सो 1 का मतलब इनलेट और 2 का मतलब एग्जिट फॉर एनी हाइड्रोलिक टर्बाइन, नहीं तो एयर टर्बाइन में तो लिफ्ट वगैरह भी नहीं आएंगे ना सर। ठीक ठीक है, आ जाओ अभी। हाँ अभी हाइड्रोलिक टर्बाइन में ही है, मगर लिफ्ट ड्रैग ये सभी टर्बाइन्स में दिखाई देता है। लिफ्ट और ड्रैग सभी टर्बाइन्स में दिखाई देता है, चाहे आप स्टीम टर्बाइन ले लो, चाहे आप वाटर टर्बाइन्स ले लो, चाहे आप विंड टर्बाइन्स ले लो, मगर कुछ टर्बाइन्स में फोर्सेस की इंटेंसिटीज हाई होती हैं, कुछ टर्बाइन्स में कम होती हैं। ठीक है, वैसे तो फोर्सेस के लिए मुझे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लिखना चाहिए बार बार, मैं वो टर्म भी यूज नहीं कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि हमारे सिलेबस में यार अभी उतना जाने की जरूरत नहीं है। बिलीव मी, आप जो देखते हो मतलब फ्लूइड मशीन्स के केस में आप जो देखते हो वैसा होता नहीं है। एक दिन आबरा मेरे से बोल रहा था कि सर फ्रांसिस टर्बाइन का रनर देख रहा हूँ, कुछ और ही दिखाई दे रहा है, आप कुछ और बोल रहे हो। मैं तो इसको बोल रहा हूँ ना फ्रांसिस टर्बाइन, इसी को बोल रहा हूँ फ्रांसिस टर्बाइन, कहाँ गया ये, इसको बोल रहा हूँ फ्रांसिस टर्बाइन। एक्चुअल में तो आजकल डिफरेंट होता है, आजकल तो मिक्स फ्लो टर्बाइन होता है। सो थोड़े से डिफरेंसेस हैं, बट टेंशन मत लो, आप लोगों को बिलीव में बिल्कुल अफेक्ट नहीं करेंगे। इनफैक्ट वो इतने टफ हैं चीजें, मैं भी ढंग से नहीं पढ़ा सकता, मैं भी परेशान होता रहता हूँ क्योंकि कोई बुक नहीं मिलती है सही। सेंजल वगैरह में भी बिल्कुल भी ढंग से नहीं दिया हुआ है उस बारे में। आओ फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ सो हम यह बोल रहे थे अब इस सिस्टम का एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगाओ। तो एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल क्या कहता है? जितनी एनर्जी अंदर आई उतनी ही एनर्जी बाहर गई। सो एनर्जी इज गोइंग आउट इन फॉर्म ऑफ पावर एंड एनर्जी इज गोइंग आउट इन फॉर्म ऑफ मास फ्लो रेट। सो आप क्या करेंगे, आप E.2 को उधर ले जाएंगे, या तो आपके पास बन जाएगा पावर प्रोड्यूस इज इक्वल टू E.1 माइनस E.2। सो ये जो आपने इक्वेशन लिखी है इस इक्वेशन की यूनिट्स क्या है, ये जो आपने इक्वेशन लिखी है इस इक्वेशन की यूनिट क्या है, प्लीज बी फास्ट, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए इस इक्वेशन की यूनिट क्या है, इस इक्वेशन की यूनिट क्या है, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बताइए। जो फर्स्ट इक्वेशन है टॉप में राइट हैंड साइड में, उसकी यूनिट क्या है? उसकी यूनिट है वॉट्स, एनर्जी कमिंग इनसाइड पर यूनिट टाइम। ड्यूरिंग द सेम टाइम सम पावर इज प्रोड्यूस्ड एंड ड्यूरिंग द सेम टाइम सम एनर्जी इज गोइंग आउटसाइड। तो इस इक्वेशन की यूनिट है वॉट्स। मगर फ्लूइड मैकेनिक्स में हम हर चीज को या तो पर यूनिट मास, पर यूनिट वेट या पर यूनिट वॉल्यूम लिखना चाहते हैं। सो जब आप एनर्जी को पर यूनिट वेट लिखते हैं तो वो बन जाता है हेड। अब वॉट का मतलब क्या है? जूल पर सेकेंड। क्या मतलब है? जूल पर सेकेंड। सो जूल पर सेकेंड को एम डॉट जी से डिवाइड कर दो तो जूल पर न्यूटन बन जाता है, राइट? सो हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को मास फ्लो रेट इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से डिवाइड कर देंगे, और उस टर्म को जिसकी यूनिट होती है जूल पर न्यूटन यानी कि मीटर, इस एनर्जी पर यूनिट वेट को मेरे ख्याल से आप हेड बोलते हैं। तो बिल्कुल सही, दीपांकर बिल्कुल सही कह रहे हैं, आबरा भी बिल्कुल सही कह रहे हैं। सो ये बन जाएगी हेड, राइट? आबरा बेटे देख, ये क्या है वॉट, जूल पर सेकेंड, ये क्या है केजी पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये न्यूटन पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है? ओके, अब आपके पास क्या बन गया? हेड बन गया। सो ये जो टर्म आई है ये क्या है? पावर प्रोड्यूस्ड बाय द टर्बाइन। डेफिनेटली आप इसको टर्बाइन हेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्बाइन हेड, है ना? और ये क्या बन जाएगा? इनकमिंग एनर्जी हेड। ये क्या बन जाएगा? आउटगोइंग एनर्जी हेड, आउटगोइंग एनर्जी हेड, राइट? सो ये आपके पास इक्वेशन आ गई फॉर टर्बाइन। अब उसी तरह अगर मैं पंप की इक्वेशन लिखूं, किसकी इक्वेशन लिखूं? पंप की इक्वेशन लिखूं। सो जब हम पंप की बात करते हैं, पंप का मतलब होता है बाथरूम में पानी खत्म हो गया तो आप आवाज लगाते हैं माँ मोटर ऑन कर दो, तो माँ क्या करते हैं? नीचे जाते हैं मोटर ऑन करते हैं। सो मोटर क्या करता है? जो बिल्डिंग के नीचे कहीं जमीन में नीचे 100 मीटर नीचे पानी का रिजर्वायर है, वहां से पानी लिफ्ट करता है ऊपर टैंकी में ले जाता है, तो वो क्या कर रहा है? पानी की पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा रहा है। ऐसी कई जगहों पे पंप क्या करता है? पानी का प्रेशर बढ़ाता है। सो पंप का एम होता है पानी की एनर्जी बढ़ाना। सो पंप के केस में क्या करते हैं? कुछ पानी अंदर आता है विद एन एनर्जी E.1, आप उस पानी में पावर एड करते हैं और फिर वो एडिड पावर के साथ बाहर चला जाता है, राइट? सो जब हम पंप की बात करते हैं तो आप बोलते हैं E.1 प्लस पावर इज इक्वल टू E.2, यानी कि यहां पे लिखते हैं पावर इज इक्वल टू आउटगोइंग एनर्जी माइनस इनकमिंग एनर्जी लिखते हैं, राइट? सो आप टर्बाइन में क्या लिखते हैं? इनकमिंग एनर्जी का कुछ हिस्सा पावर में कन्वर्ट हुआ,
पंप में क्या लिखते हैं, इनकमिंग एनर्जी में पावर ऐड की तो आउटगोइंग एनर्जी मिल गई, ठीक है ना। सो इसको जब हेड में कन्वर्ट करोगे तो वो बन जाएगा पंप हेड, क्या बनेगा, पंप हेड। सो दैट विल बी ई टू माइनस ई वन, राइट, करेक्ट और नॉट, करेक्ट और नॉट, ठीक है। अब क्या होता है, जब कोई भी फ्रिक्शन लॉसेस ना हो, किसी भी तरह के लॉसेस ना हो, तो ये टर्बाइन हेड या पंप हेड, इनको यूलर्स हेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूलर्स हेड, यूलर्स हेड, यूलर्स हेड। सो टर्बाइन के केस में, टर्बाइन के केस में यूलर्स हेड क्या बन जाएगा, वी डब्ल्यू वन यू वन माइनस वी डब्ल्यू टू यू टू बाय एम डॉट जी बन जाएगा। पावर को, पावर को किससे मल्टीप्लाई किया, एम डॉट से, पावर ये पावर थी, न्यूमरेटर क्या था, पावर, पावर को एम डॉट जी से डिवाइड किया, तो एम डॉट और एम डॉट कैंसल आउट हो गया ना, तो ये यूलर्स हेड क्या बन गया, वी डब्ल्यू वन यू वन माइनस वी डब्ल्यू टू यू टू बाय जी बन गया। दिस इज यूलर्स हेड फॉर टर्बाइन। मगर टर्बाइन में क्या होता है, इनकमिंग एनर्जी का कुछ पार्ट पावर में कन्वर्ट होता है ना, सो इनकमिंग एनर्जी का कुछ पार्ट पावर में कन्वर्ट हुआ, इनकमिंग एनर्जी का पार्ट पावर में कन्वर्ट हुआ। और ये पंप में क्या लिखते हैं, पंप में आप लिखते हो इनकम, जो आउटगोइंग एनर्जी है वो इनकमिंग एनर्जी से ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, जितनी पावर एड हुई। सो पंप में बन जाएगा, यूलर्स हेड बन जाएगा वी डब्ल्यू टू U2, so outgoing energy और incoming energy, इनका जो difference है वही तो power होगा ना, so ये बन जाएगा Euler's head for pump बन जाएगा। So इस तरीके से आप Euler's head लिखते हैं for turbine and pump, ठीक है, कुछ भी नहीं है, power produced by turbine या power absorbed by pump, उसको head की form में लिखा हुआ है। हाँ, yes, we are not considering thermal energy, थर्मल एनर्जी वाला पार्ट नहीं कंसिडर कर रहा हूं, मैं हाइड्रोलिक टर्बाइन ही पढ़ा रहा हूं अभी, राइट, यस और नो, प्लीज बी फास्ट, प्लीज बी फास्ट, यस और नो। यूलर्स हेड पता लगा, कुछ भी नहीं है, मशीन की पावर है उसको हेड की फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर टर्बाइन की बात करते हैं तो टर्बाइन में इनकमिंग एनर्जी को एक्ट में से पार्ट एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसलिए इनकमिंग माइनस आउटगोइंग लिखा हुआ है। और अगर पंप की बात करें तो इनकमिंग में पावर ऐड किया जाता है तो आउटगोइंग ज्यादा होगा, सो ऐसे लिखा हुआ है। सो ये आपको यूलर्स हेड मिल गया, ठीक है। अब ये यूलर्स हेड क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यूलर्स हेड से काफी सारी चीजें पता लगती हैं, अच्छे अच्छे पॉइंट्स पता लगते हैं। सो पहले इस यूलर्स हेड के फॉर्मूला को थोड़ा सा हम इंप्रूव करते हैं, ठीक है, इस फॉर्मूला को थोड़ा सा इंप्रूव करते हैं। सो आप क्या कह रहे हैं, यूलर्स हेड, सो टर्बाइन ही सॉल्व करते हैं, क्या सॉल्व करेंगे, टर्बाइन। सो टर्बाइन के केस में यूलर्स हेड इज इक्वल टू वी डब्ल्यू टू यू टू माइनस वी डब्ल्यू वन यू वन बाय जी, ऐसे लिखेंगे, है ना। अब एक काम करते हैं, मैं पता क्या करूंगा, ये जो यूलर्स हेड है ना, इसको अभी तो हमने वर्ल वेलोसिटी और ब्लेड वेलोसिटी के टर्म्स में लिखा हुआ है, अभी तो आपने वर्ल वेलोसिटी और ब्लेड वेलोसिटी के टर्म्स में लिखा हुआ है। मैं क्या करना चाहता हूं, वर्ल वेलोसिटी की बजाय इनकमिंग एब्सोल्यूट वेलोसिटी वेन वेलोसिटी और रिलेटिव वेलोसिटी के टर्म्स में लिखना चाहता हूं, ऐसा करना चाहता हूं। उसका रीजन क्या है वो भी पता लग जाएगा। एक रीजन तो ये है कि ये जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी है ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लो को रिप्रेजेंट करती है, और ये जो टर्म्स हैं ये प्रेशर हेड को रिप्रेजेंट करती हैं, ये रीजन है मतलब, ठीक है। सो देखो अभी इसको चेंज करेंगे, वी डब्ल्यू यू से वी डब्ल्यू यू को वी स्मॉल यू और वी आर में चेंज करेंगे, और उसके लिए वेलोसिटी ट्रायंगल का हेल्प ले लेते हैं। से फॉर एग्जांपल, ओ सॉरी, हाँ थैंक यू दीपांकर, थैंक यू बेटे, थैंक यू, गलती हो गया। सो मेरा जो गलती वाला जो ये महीना है ये जा ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या चक्कर है, थोड़े दिन से मैं गलती ज्यादा कर रहा हूं। ओके, सो गाइस चेक करो, अब क्या करेंगे, थोड़ा सा ना हेल्प लेंगे वेलोसिटी ट्रायंगल का, और थोड़ा सा ध्यान से देखना मैंने किया क्या है। सो पहले तो मैं वी आर वाली टर्म लेके आना चाहता हूं, है ना। सो एक काम करते हैं, इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल में क्या होता है, जब हम
यू वन में वी आर वन को एड कर देते हैं तो वी वन बन जाता है, और वी वन का जो ये वाला कॉम्पोनेंट है यहां तक यानी कि टेंजेंट के अलोंग, किसके अलोंग, टेंजेंट के अलोंग, ये बन जाता है वी डब्ल्यू वन, और जो परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट होता है वो बन जाता है वी एफ वन। सो मेरे ख्याल से मतलब अच्छा पहली वीडियोस में, हाँ यार पहली वीडियोस में नहीं कर रहा था मैं, नहीं एक्चुअली ऐसा नहीं है वो ना, बस थोड़े दिन से थोड़ा सा ऐसी मूड सा नहीं बन पा रहा है। सो ये क्या बन जाएगा, वी डब्ल्यू वन माइनस यू वन, क्या बन जाएगा, वी डब्ल्यू वन माइनस यू वन बन जाएगा, राइट। अब गाइज एक काम करो, जरा ना ये छोटे वाला ट्राइंगल लेना, ये वाला ट्राइंगल लेना ए ग्रीन कलर में, ये ग्रीन कलर वाला ट्राइंगल लेना, ठीक है। ग्रीन कलर में हाइपोटेन्यूज क्या है, वी आर वन है ना, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूं वी एफ वन का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना, बेस का स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट करेक्ट। अब जरा देखो, अब वी आर वन स्क्वायर इज इक्वल टू वी एफ वन स्क्वायर प्लस वी डब्ल्यू वन स्क्वायर प्लस U1 square minus VW1 U1, मेरे ख्याल से वही टर्म आ गई ना, VW1 U1 जो यहां भी दिखाई दे रही है, और देख लो VW1 में एक तो U1 आ गया है और VR1 भी आ गया है। अब जरा ध्यान से देखो, ये एंगल क्या है, अल्फा 1 है, सो मेरे ख्याल से पूरे बड़े ट्राइंगल को लेते हैं तो VF1 is equal to V1 sin अल्फा 1 होता है, और VW1 is equal to V1 cos alpha 1 होता है। कहने का मतलब यार V1 के जो components हैं वो VW1 और VF1 ही तो हैं, है ना, VW1 और VF1 ही तो हैं, तो VW1 square plus VF1 square ये क्या बन जाएगा, VR1 square is equal to V1 square बन जाएगा। पहली दो terms क्या बन जाएंगी, absolute incoming velocity का square बन जाएंगी, plus U1 minus VW1 U1, करेक्ट, यस और नो, प्लीज प्लीज टेल, इज दैट करेक्ट। हाँ माइनस टू भूल गए भाई, ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी होता है, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी होता है, बहुत बढ़िया। अब जरा देखो वी डब्ल्यू वन यू वन, हाँ थैंक यू आभरा, थैंक यू अनिरुद्ध, माइनस टू भी लगा दिया। अब मेरे ख्याल से जो वी डब्ल्यू वन यू वन की वैल्यू आएगी, ये वैल्यू क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि यूलर्स हेड में यही लिखा हुआ है, ये वैल्यू मेरे ख्याल से आ रही है वी वन स्क्वायर बाय टू प्लस यू वन स्क्वायर बाय टू माइनस वी आर वन स्क्वायर बाय टू, राइट। अब ये मैंने वी डब्ल्यू वन यू वन को लिखा, उसी तरह अगर आउटलेट वेलोसिटी ट्राइंगल लेता तो वी डब्ल्यू टू यू टू वो बन जाता वी टू स्क्वायर बाय टू प्लस यू टू स्क्वायर बाय टू माइनस वी आर टू स्क्वायर बाय टू, राइट। अब जरा देखो यूलर्स हेड, यूलर्स हेड क्या है, यूलर्स हेड है वी डब्ल्यू वन यू वन माइनस वी डब्ल्यू टू यू टू बाय जी है, यानी कि ये बन जाएगा वी वन स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर बाय टू जी प्लस U1 square minus U2 square by 2G plus, so plus नहीं लेते, minus ही ले लेते हैं, VR2 square minus VR1 square by 2G, in fact plus लिख दूं क्या, better लगेगा, plus ही लिख देता हूं, correct, yes or no, VR2 square plus लिख दिया, अगर माइनस लिखता तो वी आर वन स्क्वायर माइनस वी आर टू स्क्वायर आता, प्लस लिखा इसलिए वी आर टू स्क्वायर माइनस वी आर वन स्क्वायर आ रहा है, सो सभी टर्म्स में वन माइनस टू आ रहा है, सिर्फ लास्ट की टर्म में जो रिलेटिव वेलोसिटीज पे बेस्ड है वहां पे टू जी आ रहा है, यस और नो, प्लीज बी फास्ट, प्लीज बी फास्ट, समझ आया, समझ आया, डोंट वरी, इसका यूज क्या है वो अभी देखते हैं, इस चीज का क्या यूज है वो अभी पता लग जाएगा। पहले बताओ ये करेक्ट है, ये करेक्ट है क्या, इसमें कोई डाउट लग रहा है, हाँ
हाँ मतलब एक्चुअल में जब फ्लूइड मूव करता है तो फ्लूइड के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किस पे डिपेंड करती है? एब्सोल्यूट वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, रिलेटिव वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, या वेलोसिटी ऑफ वेन पे डिपेंड करती है? हाँ गाइस देखो, आबरा का एक क्वेश्चन है, आबरा कह रहे हैं काइनेटिक हेड्स का सम है। सो मैं ये बोल रहा हूँ, काइनेटिक हेड का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी इन द फ्लूइड। काइनेटिक हेड का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी इन द फ्लूइड। सो वो काइनेटिक एनर्जी इन फ्लूइड वो किस पे डिपेंड करती है? एब्सोल्यूट वेलोसिटी पे, रिलेटिव वेलोसिटी पे, या वेलोसिटी ऑफ वेन पे? फ्लूइड की वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से फ्लूइड की वेलोसिटी तो फ्लूइड की एब्सोल्यूट वेलोसिटी पे डिपेंड करेगी ना। फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी फ्लूइड की एब्सोल्यूट वेलोसिटी पे डिपेंड करेगी, है ना। सो चाहे आप इनको बोल देते हो काइनेटिक हेड इन टर्म्स ऑफ वेन वेलोसिटी, काइनेटिक हेड इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, मगर इसका जो फिजिकल मीनिंग है वो काइनेटिक हेड नहीं है, इसका फिजिकल मीनिंग प्रेशर हेड है। ये फिजिकली किसको डिनोट करते हैं? प्रेशर हेड को डिनोट करते हैं, प्रेशर हेड और एलिवेशन हेड को डिनोट करते हैं। अभी देखते हैं कैसे, अभी देखते हैं कैसे। आओ गाइस चेक करो। अब मेरे ख्याल से मेरे ओ समरी वाली स्लाइड आ गई, सॉरी समरी वाली स्लाइड नहीं आनी चाहिए, सॉरी। सो एक स्लाइड ऐड कर देता हूं। हाँ सो गाइस चेक करो, इसको कलर भी चेंज कर देते हैं। सो कलर कहाँ से देंगे? बैकग्राउंड कलर। सो बैकग्राउंड कलर, ठीक है। अरे ठीक है गाइस चेक करो, चेक करो। अब यूलर्स हेड, अभी आपने यूलर्स हेड के दो फॉर्मूला निकाले। एक तो आपने ऐसे लिख दिया जो जनरलाइज्ड फॉर्मूला है, फॉर टर्बाइन VW1U1 माइनस VW2U2 बाय G, और एक फॉर्मूला और निकाला V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर बाय 2G प्लस U1 स्क्वायर माइनस U2 स्क्वायर बाय 2G प्लस VR2 स्क्वायर माइनस VR1 स्क्वायर बाय 2G, राइट। ये दो फॉर्मूलाज निकाले अपने यूलर्स हेड के लिए। सो अगर कहीं से यूलर्स हेड पता लग जाए, यूलर्स हेड को m.g से मल्टीप्लाई करो, सीधा पावर आता है। अब एक बात चेक करो, ये आपके पास टरबाइन था, टरबाइन में इनकमिंग हेड है E1, इनकमिंग हेड का कुछ हिस्सा यूलर्स हेड में कन्वर्ट हो गया और बाकी हिस्सा वेस्ट बाहर चला गया, ठीक है ना। और ये टरबाइन है मशीन। सो मेरे ख्याल से आप क्या बोलोगे? E1 माइनस E2 इज इक्वल टू यूलर्स हेड बोलोगे, है ना। मगर E1 का मतलब क्या है? E1 का मतलब है इनकमिंग प्रेशर हेड, E1 का मतलब है इनकमिंग काइनेटिक हेड, इनकमिंग पोटेंशियल हेड, राइट। उसी तरह E2 का मतलब क्या है? आउटगोइंग प्रेशर हेड प्लस आउटगोइंग काइनेटिक हेड प्लस आउटगोइंग एलिवेशन हेड, राइट। और ये किसके बराबर है? ये डिफरेंस किसके बराबर है? यूलर्स हेड के बराबर है। सो जब हम दूसरी साइड स्लाइड पे लिखेंगे, जब हम दूसरी स्लाइड पे लिखेंगे, एक ऐसे ऐड होगा, हाँ दूसरी स्लाइड पे लिखेंगे तो आप बोलेंगे HE इज इक्वल टू P1 माइनस P2 बाय ρg प्लस Y1 माइनस Y2 प्लस V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर बाय 2g। मगर मगर यूलर्स हेड तो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर बाय 2g प्लस U1 स्क्वायर माइनस U2 स्क्वायर बाय 2g प्लस VR2 स्क्वायर माइनस VR1 स्क्वायर बाय 2g के बराबर भी होता है, राइट। जिसमें ये दो टर्म्स कॉमन हो गई, ये दो टर्म्स क्या हो गई? कॉमन हो गई। सो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये चेंज इन काइनेटिक हेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जो इनकमिंग काइनेटिक हेड था उसका कितना हिस्सा पावर में कन्वर्ट हुआ। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जो इनकमिंग प्रेशर हेड है उसको कितना यूटिलाइज किया, वो कितना पावर में कन्वर्ट हुआ, और एलिवेशन हेड को कितना पावर में कन्वर्ट किया। सो ये जो टर्म है, ये टर्म आपको बताती है कि आपने इनकमिंग प्रेशर हेड और एलिवेशन हेड को कितना पावर में कन्वर्ट किया है, राइट। सो मेरे ख्याल से आपके पास आ जाएगा U1 स्क्वायर माइनस U2 स्क्वायर बाय 2G प्लस
VR2 square minus VR1 square by 2G is equal to the drop in pressure head across the turbine, जो power में convert हो जाएगा, plus drop in elevation head across the turbine, जो again power में convert हो जाएगा. Right? Yes or no? Yes or no? तो जो बाकी दो kinetic head बोलते हो आप, वो kinetic head नहीं, वो pressure head और elevation head represent कर रही है. वो represent कर रही है कि कितना pressure head और elevation head power में convert हुआ. ठीक है, पहले यहां तक बताओ, फिर आभरा का डाउट देखेंगे. एक बार आभरा का डाउट बता देंगे फटाफट. गाइस पहले यहां तक बताओ, समझ आया कि नहीं समझ आया? प्लीज चेक गाइस, प्लीज चेक, समझ आया है या नहीं समझ आया, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए. कोई डाउट तो नहीं है? चेक कीजिए, कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट तो नहीं है? ओके, अब एक बार ही फटाफट पहले आभरा का डाउट बता देता हूं, फिर आगे डिस्कस करता हूं. सो गाइस देखो, आभरा क्या बोल रहा है, ये पूछ रहा है कि सर इंटरनल एनर्जी को कंसिडर क्यों नहीं किया हमने. ठीक है, सो ये चीज मैंने शायद पहले भी बताई है. देखो क्या होता है, जो इनकमिंग फ्लूइड होता है उसमें काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर हेड है ना, प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस वाई होता है. प्रेशर हेड क्या रिप्रेजेंट करता है? फ्लो वर्क, फ्लो वर्क दैट विल पुश द फ्लूइड इनसाइड. उसी तरह यहां पर भी होता है, तो टर्म्स आती हैं. सो कोई भी कंट्रोल वॉल्यूम हो, उस कंट्रोल वॉल्यूम के लिए आपको अगर स्टेडी स्टेट फ्लो दे रखा है, कैसा फ्लो दे रखा है? स्टेडी स्टेट फ्लो. एक बार स्टेडी स्टेट फ्लो आ गया तो चाहे फ्लो रिवर्सिबल हो, इरिवर्सिबल हो, इनकंप्रेसिबल, कंप्रेसिबल, विस्कस, नॉन विस्कस, ये सब मैटर नहीं करता. स्टेडी स्टेट फ्लो एनर्जी इक्वेशन डायरेक्टली लिखी जा सकती है. स्टेडी स्टेट फ्लो एनर्जी इक्वेशन कहेगी एच वन प्लस वी वन स्क्वायर बाय टू प्लस जी वाई वन प्लस क्यू इज इक्वल टू एच टू प्लस वी टू स्क्वायर बाय टू प्लस जी वाई टू प्लस डब्ल्यू. राइट? यस और नो? यस और नो? अब जो थर्मल मशीन्स होती हैं, जैसे स्टीम टर्बाइन, गैस टर्बाइन, कंप्रेसर्स, ब्लोअर्स, जो थर्मल मशीन्स हैं, थर्मल मशीन्स में क्या होता है कि मशीन्स के अंदर जो प्रोसेसेस होते हैं, नॉट फ्रिक्शनल प्रोसेसेस, एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन प्रोसेस, जो मशीन के अंदर एक्सपेंशन या कंप्रेशन हो रही है फ्लूइड पार्टिकल्स की, दैट विल कॉज अ चेंज इन टेम्परेचर. क्योंकि हम गैस की बात कर रहे हैं, गैस के केस में तो यही होता है भैया, जब गैस मूव करती है और उसकी वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, डेंसिटी में चेंज आ रहा है, तो P इज इक्वल टू रो आर टी, टेम्परेचर में भी चेंज आ रहा है. सो गैस के केस में जब फ्लूइड आगे बढ़ता है तो उसके टेम्परेचर में चेंजेस आते हैं, मगर पानी इनकम्प्रेसिबल होता है. इनकम्प्रेसिबल होने के कारण अगर उसकी डेंसिटी में कोई चेंज आएगा भी तो उसके टेम्परेचर में कोई खास चेंज नहीं आएगा. अब मान लीजिए अंदर का पानी और बाहर की जो हवा है उसका टेम्परेचर सेम ही है, तो हीट ट्रांसफर नहीं होगा, जीरो होगा, परफेक्टली इंसुलेटेड भी मान सकते हैं. ठीक है ना? और दूसरी बात, जब पानी, जो पानी की जो थर्मल एनर्जी है वो वर्क ट्रांसफर में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, सिर्फ पानी का प्रेशर हेड, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल हेड, ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं. सो आप क्या इक्वेशन लिखते हैं? आप इक्वेशन लिखते हैं पी वन बाय रो जी प्लस वी वन स्क्वायर बाय टू जी प्लस वाई वन, इनफैक्ट ये क्यू को भी जीरो नहीं करो चाहे, इज इक्वल टू पी टू बाय रो जी प्लस, माइनस कर लेते हैं इसको, प्लस वी टू स्क्वायर बाय टू जी प्लस वाई टू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस यू टू माइनस यू वन माइनस क्यू. ऐसे लिख सकते हैं? देखना आभरा, आभरा देख बेटे, ऐसे लिख सकते हैं? मेरे पास एक ऐसी मशीन है जिस मशीन में इंटरनल एनर्जीज वर्क ट्रांसफर में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही है, सिर्फ प्रेशर हेड, काइनेटिक हेड और एलिवेशन हेड, सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी इज कैन बी कन्वर्टेड इंटू वर्क, थर्मल एनर्जी कैनॉट बी कन्वर्टेड इंटू वर्क. इस तरह से एक मशीन है, तो उसमें बाकी टर्म्स को दूसरी साइड ले जाओ. अब ये वाली जो टर्म होती है ना, ये वाली टर्म, सो आपको ध्यान होगा कि जो आपका क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स में क्यू का मतलब होता है हीट कमिंग इनटू द सिस्टम, उसको पॉजिटिव लिखते हैं. सो मैं इसको पॉजिटिव बना लेता हूं. अब ये क्या बन जाएगा? हीट गोइंग आउट ऑफ द सिस्टम. सो क्या होगा, पानी कुछ मैकेनिकल एनर्जी के साथ अंदर आएगा, उस मैकेनिकल एनर्जी का कुछ हिस्सा वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी का कुछ हिस्सा फ्रिक्शन के कारण लॉस होगा, वो जो फ्रिक्शन के कारण डिसिपेशन होगी उससे हीट जनरेट होगी,
अब जो हीट जनरेट होगी वो या तो बाहर जाएगी या फ्लूइड में खुद स्टोर्ड होगी। जो हीट बाहर गई है वो ये है, जो हीट फ्लूइड के अंदर स्टोर्ड हुई है वो ये है, और जो बाकी बची हुई मैकेनिकल एनर्जी है वो ये। समझ आ गया? क्लियर? अब क्लियर है दीपांकर? चेक करना बेटे, सही एक्सप्लेनेशन बताइए। जिन मशीन्स में सिर्फ मैकेनिकल एनर्जीज को कंज्यूम किया जा सकता है, वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है, वहां पे जो फ्रिक्शनल लॉसेस होते हैं वो या तो हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो जाते हैं या फिर इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, सो यही आपके हेड लॉसेस हैं, ये सारे आपके हेड लॉसेस हैं HF। क्लियर? ठीक है, चलो फिर अब हम कहां जा रहे थे? अगर प्रेशर इज चेंजिंग, इंटरनल एनर्जी भी चेंज होनी चाहिए। हाँ, सो दीपांकर देख बेटे, ऐसा है कि लिक्विड जो होते हैं इनकम्प्रेसिबल होते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस इनकम्प्रेसिबिलिटी जो उनकी इंटरनल एनर्जी की जो सेंसिटिविटी है टू प्रेशर वो इतनी ज्यादा नहीं होती। ठीक है ना, आपको याद होगा CpCv भी बराबर हो जाते हैं। जब हम सॉलिड लिक्विड की बात करते हैं तो CpCv और जितने भी प्रोसेसेस हैं उनके CpCv सारी प्रोसेसेस के स्पेसिफिक हीट बराबर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इंटरनल एनर्जी फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है, सब्सटेंस इनकम्प्रेसिबल है, आप उसको जितना मर्जी प्रेशर लगा लो आप मॉलिक्यूल्स की स्पेसिंग को चेंज नहीं कर सकते। मॉलिक्यूल्स की स्पेसिंग को चेंज नहीं कर पाएंगे तो इंटरनल एनर्जी को चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, मगर जैसे ही सब्सटेंस का टेम्परेचर चेंज करते हैं तो सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स की स्पीड भी बढ़ती है, वाइब्रेशनल स्पीड भी बढ़ती है, रैंडम थर्मल मोशन भी बढ़ती है, और मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस भी बढ़ता है। ठीक है ना, क्लियर है, समझ आया? सो सॉलिड लिक्विड के केस में प्रेशर पे इंटरनल एनर्जी इतना डिपेंड नहीं करता जितना टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, ओके, सो मेरे ख्याल से आगे बढ़ते हैं। क्या पढ़ा रहा था मैं? हाँ, यूलर्स हेड पढ़ा रहा था, कुछ बताने वाला था, क्या बताने वाला था याद नहीं आ रहा अब एकदम से, कुछ पॉइंट बताने वाला था मजेदार सा एक्सियल फ्लो मशीन और रेडियल फ्लो मशीन के बीच में। क्या पॉइंट था? हाँ ठीक है, आओ चेक करते हैं, आओ गाइस चेक करते हैं। अब गाइस जनरली हमारे अंदर एक आइडिया रहता है कि टरबाइन जो है वो इनकमिंग पानी की काइनेटिक एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करता है, मगर ऐसा नहीं है। टरबाइन जो है वो प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी और इनफैक्ट एलिवेशन को भी, पोटेंशियल एनर्जी को भी वर्क में कन्वर्ट कर सकता है। और जैसे जैसे आप बोलते हैं इंपल्स टरबाइन एंड रिएक्शन टरबाइन, क्या बोलते हो आप? इंपल्स टरबाइन एंड रिएक्शन टरबाइन बोलते हो, है ना? दरअसल इंपल्स टरबाइन का मतलब ये होता है वो टरबाइन जो प्रेशर हेड पे ऑपरेट नहीं करती। इंपल्स टरबाइन का मतलब है वो टरबाइन जो प्रेशर हेड पे ऑपरेट नहीं करती है, जैसे पेल्टन टरबाइन। सो पेल्टन टरबाइन के केस में क्या होता है, आपकी जो नोजल है वो एटमॉस्फेयर को एक्सपोज्ड है। सो नोजल से जो पानी बाहर आ रहा है वो जीरो गेज प्रेशर पे है, और जो आपकी बकेट है दैट इज ऑल्सो कंप्लीटली एक्सपोज टू दैट बकेट इज ऑल्सो कंप्लीटली एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर। सो पानी जब बकेट पे स्लाइड भी कर रहा है उस पानी के स्टैटिक प्रेशर में कोई चेंज नहीं आने वाला, उसका स्टैटिक प्रेशर जीरो ही रहने वाला है। सो इनकमिंग पॉइंट पे स्टैटिक प्रेशर कितना है? जीरो। आउटगोइंग पॉइंट पे स्टैटिक प्रेशर कितना है? जीरो। तो P1 और P2 तो जीरो हो गए। तो अगर P1 P2 जीरो हो गए तो यूलर्स हेड में जो ये वाली जो टर्म होती है क्या कहते हैं P1 माइनस P2 बाय रो जी की जो टर्म होती है वो क्या बन जाएगी? वो जीरो बन जाएगी। सो इंपल्स टर्बाइन्स वो टर्बाइन्स होती हैं जो प्रेशर हेड को वर्क में कन्वर्ट नहीं करती हैं। यानी कि इंपल्स टर्बाइन्स में जब फ्लो होता है तो प्रेशर कांस्टेंट रहता है, प्रेशर स्टैटिक प्रेशर की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। मगर रिएक्शन टर्बाइन्स वो टर्बाइन्स होती हैं जो सिर्फ काइनेटिक हेड को वर्क में नहीं मगर मेजरली प्रेशर हेड को वर्क में कन्वर्ट करती हैं। यही डिफरेंस है। इंपल्स टर्बाइन के केस में there is no conversion of pressure head into work, but reaction turbine not only converts velocity head into work but also pressure head into work. समझ आया guys? समझ आया? अच्छा हाँ, वो point बता रहा हूं। So समझ आया? Impulse turbine क्या करेगी? Pressure head को consume नहीं करेगी, वो सिर्फ velocity head को work में convert करेगी। मगर reaction turbine वो pressure head और velocity head दोनों को work में convert करती है।
अब गाइस देखो क्या होता है कि जैसे मान लो आपके पास एक वर्टिकल टर्बाइन भी हो, कैसी टर्बाइन हो, वर्टिकल टर्बाइन हो, यानी कि उसका डिस्क वर्टिकल होगा। अब मान लीजिए 6 मीटर का डायमीटर है टर्बाइन का, सो जो आउटर पेरीफेरी है और इनर पेरीफेरी है उसके बीच में डिस्टेंस कितना होगा, 3 मीटर, और बड़ी टर्बाइन कर दोगे तो 4 मीटर, 5 मीटर, इतना ही डिस्टेंस होगा ना। मगर ये जो एलिवेशन हेड का डिफरेंस है y1 - y2 है, ये प्रेशर हेड और काइनेटिक हेड की टर्म्स के रिस्पेक्ट में काफी कम होता है। सो जनरली हम एज्यूम करते हैं कि हाइड्रोलिक मशीन्स के केस में, इनफैक्ट थर्मल टर्बाइन्स के केस में भी, जो आपके इंजीनियर्स भी जब कैलकुलेशन करते हैं तो वो y1 और y2 को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि ये वाली जो टर्म्स हैं ये कंपैरेटिवली काफी कम होती हैं विद इन द टर्बाइन और विद इन द कंप्रेसर। मैं ये नहीं बोल रहा कि डैम के अंदर पानी यहाँ पे है, यहाँ पे टर्बाइन है, इस एलिवेशन हेड को निग्लेक्ट कर दो, नहीं, ये वाला एलिवेशन हेड तो 300 मीटर है भैया, यही एलिवेशन हेड तो प्रेशर हेड और काइनेटिक हेड में कन्वर्ट हो रहा है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ये वाला जो इंटरनल डिफरेंस है, ये इंटरनल डिफरेंस 2 मीटर 3 मीटर का होगा तो इसको आप निग्लेक्ट कर सकते हैं। सो अगर y1 - y2 नेग्लिजिबल है, y1 - y2 कैसा है, नेग्लिजिबल है, सो अगर y1 - y2 इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू अदर टर्म्स, तो आपका जो यूलर हेड होगा, यूलर हेड का मतलब क्या है, पावर प्रोड्यूस्ड इन द टर्बाइन, तो टर्बाइन क्या करेगा, जो इनकमिंग प्रेशर हेड है उसको पावर में कन्वर्ट करेगा। सो ये जो टर्म है ये वेस्टेज है, ये वाला प्रेशर हेड हम कन्वर्ट नहीं कर पाए, ये बाहर चला गया। प्लस जो इनकमिंग काइनेटिक हेड है उसको कन्वर्ट करेगा, है ना, और ये वाली जो टर्म है ये बाहर चलेगी, ये भी वेस्टेज है। हालांकि इस वेस्टेज को कम कर सकते हैं आगे जाके आप देखेंगे विद हेल्प ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब। अब जरा इसकी बात करते हैं, यूलर्स हेड का एक और फॉर्मूला भी होता है, जो फॉर्मूला बनता है u1² - u2² / 2g प्लस v1² - v2² / 2g प्लस v1² - v2² / 2g, राइट। So, ये वाली जो टर्म्स हैं ये सेम होती है। अब गाइस खुद ही देखो, मेरे ख्याल से जब हम पेल्टन टर्बाइन की बात करते हैं तो p1 - p2 / g जीरो होता है ना, पेल्टन टर्बाइन के केस में p1 और p2 दोनों ही जीरो होते हैं, तो प्रेशर हेड, जो प्रेशर हेड का डिफरेंस है वो भी जीरो आएगा। अब खुद ही देख लो, पेल्टन टर्बाइन के केस में u1 u2 बराबर होता है तो ये टर्म भी जीरो हो गई। पेल्टन टर्बाइन के केस में अगर कोई फ्रिक्शनल लॉस ना हो तो VR1 और VR2 भी बराबर होगा, ये टर्म भी जीरो, राइट। यस और नो, प्लीज बी फास्ट, जल्दी से बता दीजिए, क्या मैं सही कह रहा हूं। सो अगर पेल्टन टर्बाइन सॉल्व कर रहे हैं और ये नीचे वाला जो टर्म है, नीचे वाला जो बक्सा है वो ऊपर वाले बक्से के बराबर नहीं आ रहा, वो जीरो नहीं आ रहे दोनों, नीचे वाला बक्सा और ये वाला बक्सा, ये बराबर नहीं आ रहे, वो इसीलिए बराबर नहीं आ रहे क्योंकि कुछ फ्रिक्शनल लॉस है, तो ये फ्रिक्शनल लॉस रिप्रेजेंट करेगा तब। प्रेशर हेड तभी भी जीरो है, प्रेशर हेड लॉस तभी भी जीरो है। हाँ, VR2² ही लिखा है बेटा, ये देख बेटे, VR2² लिखा हुआ है, छोटा हो गया 2, VR2² है ना, सही बात है। सो उस केस में ये सिर्फ फ्रिक्शनल लॉस को रिप्रेजेंट करेंगे, मगर रिएक्शन टर्बाइन्स वो टर्बाइन्स होती हैं जिसमें ये जो टर्म्स हैं ये नॉन जीरो होती हैं, तो यहां पे आप प्रेशर हेड को भी वर्क में कन्वर्ट करते हैं। सो हम क्या करते हैं, हम एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हो, डिग्री ऑफ रिएक्शन बोलते हो। अब डिग्री ऑफ रिएक्शन का मतलब ये होता है कि भैया जो आपका टोटल यूलर्स हेड है, उस टोटल यूलर्स हेड में दो पार्ट होंगे, एक तो काइनेटिक हेड का कि काइनेटिक एनर्जी का कितना पार्ट वर्क में कन्वर्ट किया, और एक प्रेशर हेड का, प्रेशर हेड का कितना पार्ट वर्क में कन्वर्ट हुआ। सो हम टर्बाइन्स के लिए एक वैल्यू डिसाइड करते हैं, डिग्री ऑफ रिएक्शन आर। ये डिग्री ऑफ रिएक्शन आपको हाइड्रोलिक टर्बाइन्स में इतना यूजफुल ना लगे, मगर
जो स्टीम टर्बाइन्स होती हैं, जहां मल्टीपल स्टेजेस होती हैं, तो अगर आप एक जेट इंजन के अंदर झांक के देखेंगे, आपको पता लगेगा कि टर्बाइन में स्टेटर टर्बाइन, स्टेटर टर्बाइन, स्टेटर टर्बाइन, इस तरह से 30 स्टेज मिलेंगी। तो वहां पे डिग्री ऑफ रिएक्शन का बहुत बड़ा रोल होता है, वो मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। तो वहां पे देखा जाता है डिग्री ऑफ रिएक्शन ग्रेटर देन 50%, डिग्री ऑफ रिएक्शन लेस देन 50%, तो इस तरह से कॉन्सेप्ट आता है। सो डिग्री ऑफ रिएक्शन क्या कहता है? डिग्री ऑफ रिएक्शन इज जो जो यूलर्स हेड का पोर्शन बिकॉज ऑफ प्रेशर हेड, सो वो क्या बन जाएगा? U1² - U2² / 2g +VR2² - VR1² / 2g। ये कौन सा पोर्शन है? प्रेशर हेड डिवाइडेड बाय टोटल यूलर्स हेड, डिवाइडेड बाय टोटल यूलर्स हेड, इसको आप डिग्री ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। तो फटाफट बताओ इंपल्स टर्बाइन के लिए डिग्री ऑफ रिएक्शन कितना होगा? इंपल्स टर्बाइन के लिए डिग्री ऑफ रिएक्शन कितना होगा? सो वी आर, हाँ अनिरुद्ध बेटा ये ले, ये मेरे से गलती हो गई होगी, VR2 - VR1। ठीक है, थैंक यू दीपांकर, थैंक यू। हाँ सही है बेटे दीपांकर, बिल्कुल बेटा सही कह रहा है। रिएक्शन टर्बाइन्स में कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग पैसेज होंगे जिनके कारण वेलोसिटीज में चेंज आएंगे, वेलोसिटीज में चेंज आएंगे, तो बर्नौलीज इक्वेशन कहती है प्रेशर में चेंज आएगा, ठीक है ना। मगर वो कौन सी वेलोसिटी में चेंज आएगा? रिलेटिव वेलोसिटी में चेंज आएगा, बट ओवरऑल एब्सोल्यूट वेलोसिटी डिक्रीज भी कर सकती है। वो अभी प्रूव नहीं कर रहा हूं, अभी नहीं समझा रहा हूं। ठीक है, ओके। सो हाँ जीरो, वेरी गुड, वेरी नाइस, जीरो। सो अगर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है इंपल्स टर्बाइन की डिग्री ऑफ रिएक्शन कितना होता है, तो वो जीरो बन जाएगा। अच्छा कुछ सोचो, किसी टरबाइन की डिग्री ऑफ रिएक्शन 1 हो सकती है क्या? किसी टरबाइन की डिग्री ऑफ रिएक्शन 1 हो सकती है क्या? वैसे एक मजेदार बात बताऊं, अगर रिएक्शन टरबाइन की बात कर रहे हैं, सो डिग्री ऑफ रिएक्शन जितना ज्यादा होगा उतना ही फायदा है। क्यों फायदा है? क्योंकि उस केस में क्या होगा कि पानी के अंदर प्रेशर हेड हाई है और वेलोसिटी हेड कम है। दरअसल क्या होता है, अगर आपको जैसे याद हो तो पाइप्स के लिए आप एक इक्वेशन लिखते थे, पाइप्स के लिए आप एक इक्वेशन लिखते थे HF, HF इज इक्वल टू 4FLV² / 2GD लिखते थे, है ना, 4FLV² / 2GD लिखते थे। कहने का मतलब वेलोसिटी हेड जितना ज्यादा हो फ्रिक्शनल लॉसेस उतने ज्यादा होते हैं, है ना। सो दरअसल जब हम रिएक्शन टर्बाइन्स की बात करते हैं, रिएक्शन टर्बाइन्स की मजेदार बात यही है कि रिएक्शन टर्बाइन्स में आप वेलोसिटी हेड को कम से कम रख सकते हैं। उससे फायदा क्या होगा? उससे फ्रिक्शन लॉसेस मिनिमाइज हो जाएंगे, तो आप मेजर एनर्जी को प्रेशर हेड की फॉर्म में रखते हैं और उस प्रेशर हेड को वर्क में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो ये रिएक्शन टर्बाइन्स की एडवांटेज है, आप वेलोसिटी हेड को कम रखिए ताकि फ्रिक्शनल लॉसेस कम हो, और वेलोसिटी हेड को कम करके हम प्रेशर हेड बड़ा रखते हैं, उस प्रेशर हेड को हम वर्क में कन्वर्ट कर लेते हैं, राइट। हाँ सो अनिरुद्ध कह रहे हैं अगर डिग्री ऑफ रिएक्शन 1 हो गया, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी हेड में कोई चेंज ही नहीं आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी हेड में कोई चेंज ही नहीं आ रहा है ना। सो वो तभी हो सकता है जब इनकमिंग एरिया ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम इज सेम एज आउटगोइंग एरिया ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम। सो A1V1 = A2V2। तो अगर A1 और A2 बराबर हो तो V1V2 बराबर हो जाएगा, V1V2 बराबर हो जाएगा, इसका मतलब काइनेटिक हेड में कोई चेंज ही नहीं आ रहा है, तो जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो सिर्फ प्रेशर हेड में आ रहे हैं, ठीक है। इज द क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो उस केस में क्या होगा, यूलर्स हेड इज ओनली इक्वल टू चेंज इन प्रेशर हेड, यूलर्स हेड इज ओनली इक्वल टू चेंज इन प्रेशर हेड। यस और नो, प्लीज बी फास्ट, यस और नो, प्लीज बी फास्ट। ठीक है, सो मेरे ख्याल से आज इसको यहीं तक बस करते हैं। कल क्या करेंगे? कल यूलर्स हेड से दो तीन पॉइंट्स और निकालेंगे अच्छे अच्छे जो आपको बताएंगे कि रिएक्शन टर्बाइन हो तो इनवर्ड फ्लो होना चाहिए, सेंट्रीफ्यूगल पंप हो तो आउटवर्ड फ्लो होना चाहिए, एक्सियल फ्लो की इनवर्ड फ्लो टर्बाइन्स, अगर आपको रिएक्शन टर्बाइन बनाना है तो कोशिश करो कि आप रेडियल फ्लो टर्बाइन बनाओ। इंपल्स के केस में एक्सियल भी हो सकता है और टेंजेंशियल भी हो सकता है। तो ये सारी बातें जो है ना ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स, ये यूलर्स हेड से ही पता लग जाते हैं।
सो हम ये कल स्टार्टिंग में डिस्कस करेंगे और ये डिस्कस करने के बाद पेल्टन टर्बाइन की कंस्ट्रक्शन देखेंगे और उसका एक आध फॉर्मूला क्वेश्चन करेंगे। सो एक्चुअल में जो हमने पीछे क्वेश्चन किए हैं वो काफी सफिशियंट थे, बस हमें कुछ टर्म्स ऐड करनी है, एक बार वो स्पाउटिंग वेलोसिटी वगैरह वो सब टर्म्स लिखनी है प्रॉपर फ्रेम में और हमारा पेल्टन टर्बाइन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मगर जब आप फ्रांसिस टर्बाइन और कैप्लन टर्बाइन में जाएंगे तो थोड़ा सा ना ये वेलोसिटी ट्रायंगल्स को इम्प्रूव करेंगे, जैसे दीपांकर बता रहा है कि एक अच्छा साइन कन्वेंशन लाओ, तो वो साइन कन्वेंशन डालेंगे और वेलोसिटी ट्रायंगल्स के कुछ अलग अलग केसेस भी देखेंगे, ठीक है। सो ये हम काम धीरे धीरे करेंगे। अब थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं, पीछे 4-5 दिन काफी वेस्ट किए तो मुझे भी बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है, सोच सोच के गिल्टी फील हो रहा है। बिल्कुल ढंग से पढ़ाई करते हैं ताकि आप जो ये एक्स्ट्रा टाइम डिवोट कर रहे हैं 2-2 घंटे का वो मजेदार हो। वैसे तो देखा जाए तो क्वेश्चंस तो हमने अच्छे ही सॉल्व किए हैं, उससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बट थोड़ा क्वालिटी और बढ़ाते हैं, ठीक है। सो ठीक है, फिर कल मिलते हैं। एंड दीपांकर बेटा, वैसे तो देख मैं बता देता हूँ, पेल्टन टर्बाइन करना है, कैप्लेट टर्बाइन करना है, फ्रांसिस टर्बाइन करना है। गेट के हिसाब से डिग्री ऑफ रिएक्शन पता होना चाहिए, ड्राफ्ट ट्यूब पता होना चाहिए और स्पेसिफिक स्पीड पता होनी चाहिए, ठीक है। मगर ये है कि अगर टाइम मिला, सही टाइम मिला, तो परफॉर्मेंस कर्व्स भी थोड़ा सा बता दूंगा, शायद IES में हेल्पफुल हो जाए, ठीक है। सो देखते हैं कितना टाइम लगता है, अगर 7-8 क्लासेस से ज्यादा लगेगा तो गेट जितने ही बताएंगे, एक्स्ट्रा नहीं बताएंगे, बट ये रोज का 2 घंटे विद न्यूमेरिकल एंड थ्योरी करेंगे ताकि एक्स्ट्रा नहीं करना पड़े, ओके। तो ठीक है, फिर आप लोग कर लो, मुझे एक्चुअली अभी एक रिकॉर्डिंग करना है, तो आप लोग कर लीजिए, मैं अपना रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ, खाना वाना खा लो, कल मिलते हैं, ठीक है। चलो बाय बाय, टाटा सी यू, बाय बाय।